नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर फिल्म 2020 में आपका स्वागत है। इकोनॉमी के रिवीजन का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इस वीडियो में हम जुलाई महीने के एनवायरनमेंट से संबंधित करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आप रिवीजन वीडियोज़ की PDF डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से या फिर onlyice.com पर जाकर, और वहीं पर आप इन कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हो। फाउंडेशन कोर्स कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स सिलेबस विद टेस्ट सीरीज, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और मेंस बूस्टर प्रोग्राम। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप onlyice.sales@gmail.com पर पूछ सकते हो। ये लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फर्स्ट रिजिलियंट केरला प्रोग्राम के बारे में है। पहले आप मुझे ये बताइए, रिजिलियंस का क्या मतलब होता है? देखो, कोई भी सिटी रिजिलियंट तब होती है जब, मान लीजिए, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तूफान आ जाता है, इन सब चीज़ों के बावजूद वो सिटी जो है वो जल्दी से रिकवर कर लेती है, एडोप्ट कर लेती है अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से और तेज़ी से ग्रो करने लगती है। कहने का मतलब ये है, नेचुरल डिजास्टर या फिर दूसरी तरह की कोई डिजास्टर आ जाए तो उसका असर नहीं देखने को मिलता सिटी पर और वो सिटी पहले की तरह ग्रो करती रहती है। जैसे जापान की सिटीज़ के बारे में कहा जाता है, जापान की सिटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार से डेवलप किया गया है कि जापान की सिटीज़ बहुत ज़्यादा रिजिलियंट हैं। वहाँ पर सुनामी लहरें आ जाती हैं, इसके बावजूद जापान की जो सिटीज़ हैं उन पर खास असर नहीं होता, वो पहले की तरह ग्रो करती रहती हैं। लेकिन हमारे देश की जो सिटीज़ हैं वो ज़्यादा रिजिलियंट नहीं हैं। पिछले साल देखो केरल में बाढ़ आई थी तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था केरल को, और अभी तक केरल उस नुकसान से उबर नहीं पाया है। तो इसी वजह से आवश्यकता अब महसूस की जा रही है कि केरल को रिजिलियंट बनाया जाए ताकि कल को और भी कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाती है तो जिस प्रकार का नुकसान पिछले साल उठाना पड़ा था केरल को, उस प्रकार का नुकसान ना उठाना पड़े। कोई नेचुरल डिजास्टर आ भी जाता है तो जल्दी से केरल रिकवर करे, अडेप्ट करे और तेज़ी से ग्रो करने लगे। तो फर्स्ट रिजिलियंट केरल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और इसके लिए एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडियन गवर्नमेंट, केरल की गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक के बीच। लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है $250 मिलियन का। प्रोग्राम किस चीज़ पे फोकस करेगा? प्रोग्राम देखो फोकस करेगा स्टेट की इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करने पे और फाइनेंशियल कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करने पे, ताकि गरीब लोगों के लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट किया जा सके, गरीब लोगों की जो एसेट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके और वल्नरेबल जो ग्रुप्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जा सके इंक्लूसिव और पार्टिसिपेटरी अप्रोच की सहायता से। नेक्स्ट आर्टिकल तमिल यूमेन के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? तमिलनाडु ने देखो तमिल यूमेन को अब ऑफिशियली अपनी स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर कर दिया है। वैसे आमतौर पर स्टेट्स की ऑफिशियल बटरफ्लाइज, ऑफिशियल एनिमल, ऑफिशियल प्लांट्स के बारे में UPSC नहीं पूछती हैं, लेकिन करंट में जो कुछ होता है उनको हमें एक बार ध्यान में रख लेना चाहिए। तमिलनाडु का स्टेट ट्री है पाम, स्टेट बर्ड है एमरल्ड डोव, स्टेट फ्लावर है ग्लोरियोसम, स्टेट एनिमल है नीलगिरी तहर, स्टेट फ्रूट है जैक फ्रूट। बात अगर हम करें तमिल यूमेन की, ये देखो नेचुरली वेस्टर्न घाट में मिलती हैं ये तितली, और कहाँ पर मिलती है? मोस्ट डेसिडस एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलती है, स्ट्रीम्स के आसपास। साइज ये सब चीज़ें आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तमिलनाडु में देखो वैसे बटरफ्लाई के 32 हॉट स्पॉट्स हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस की तमिलनाडु की स्टेट बटरफ्लाई तमिल यूमेन के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल कॉमर्शियल वेलिंग से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? जापान ने देखो 30 साल बाद कॉमर्शियल वेलिंग एक बार फिर से स्टार्ट कर दी है। इसी इशू से संबंधित हमने एक आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किया था 27 दिसंबर 2018 को। वो आर्टिकल आप रिवाइज कीजिए। जापान ने अनाउंस किया है कि वो इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन की सदस्यता को अब छोड़ते हैं। इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन को इस्टाब्लिश किया गया था वाशिंगटन में दिसंबर 1946 में। काम क्या है इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन का? काम है वेल मछली को कंजर्व करना, और वेल मछली का जो शिकार होता है यानी जो पकड़ा जाता है उसे मैनेज करना, और इसके लिए लीगल फ्रेमवर्क भी तैयार किया हुआ है इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन ने, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द रेगुलेशन ऑफ वेलिंग। एक्चुअली 1982 से पहले क्या हो रहा था, वेल मछली की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम हो रही थी, तो 1982 में कॉमर्शियल वेलिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई, यानी मोरेटोरियम लगा दिया गया इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन के द्वारा। लेकिन जापान, रशिया,
कुछ देश ऐसे हैं वहां का कल्चर इस प्रकार का है, या फिर आप कह सकते हो फूड हैबिट्स इस प्रकार की हैं कि व्हेल मछली को खाया जाता है। तो जापान के द्वारा और रशिया के द्वारा विरोध किया गया कि आप इस प्रकार से मोराटोरियम क्यों लगा रहे हो, मतलब कॉमर्शियल व्हेलिंग पर बैन क्यों लगा रहे हो। लेकिन इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन नहीं माना और अभी तक बैन लगा हुआ है कॉमर्शियल व्हेलिंग पर, मतलब कॉमर्शियल पर्पजेज के लिए व्हेल मछली का शिकार नहीं किया जा सकता, व्हेल मछली को नहीं पकड़ा जा सकता। देखो इस साल सितंबर के महीने में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन के मेंबर्स की, कहां पे? ब्राजील के शहर फ्लोरियन पोलिस में। इस मीटिंग में जापान के द्वारा प्रपोजल दिया गया था कि भैया बहुत साल हो चुके हैं, आप कॉमर्शियल व्हेलिंग पर बैन हटा लो, लेकिन बाकी मेंबर्स ने मेजोरिटी के साथ इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। जापान ने कहा कि आप हमारी बात तो मानते नहीं हो, इसलिए उन्होंने ऐलान किया है कि हम सदस्यता छोड़ते हैं इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन की। बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने ज्वाइन किया था इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन को 1981 में। एक इंपॉर्टेंट बात देखो, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन अलाउ करता है एबोरिजिनल्स को। एबोरिजिनल्स मतलब जैसे देखो सेंटिनलीज ट्राइब हैं, जो नेटिव लोग हैं, पुराने तौर तरीकों के साथ रहते हैं, उन लोगों को अलाउ करता है इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन कि वो सब्सिस्टेंस के लिए यानी अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए व्हेल मछली को पकड़ सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके द्वारा भी अपने सिटीजन्स को परमिट जारी किया जा सकता है साइंटिफिक पर्पजेज के लिए कि वो व्हेल मछली का शिकार कर सकते हैं, मतलब व्हेल मछली को पकड़ने के लिए साइंटिफिक परमिट दिया जा सकता है किसी मेंबर कंट्री के द्वारा अपने किसी सिटीजन को। वैसे देखो कहा यह भी जाता है, वैसे भी जापान मोराटोरियम को मान नहीं रहा था, अंधाधुंध शिकार हो रहा था जापान और आसपास के एरिया में व्हेल मछली का। अब ऑफिशियली उन्होंने इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन को छोड़ दिया है, पहले भी वो इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन का जो बैन है उसे मान नहीं रहे थे, प्रैक्टिकली सिर्फ पेपर्स में मान रहे थे। दो वैसे सेंचुरीज भी हैं, एक सेंचुरी इस्टेब्लिश की गई थी 1994 में साउदर्न ओशन व्हेल सेंचुरी, और दूसरी सेंचुरी है इंडियन ओशन व्हेल सेंचुरी। दो सेंचुरीज हैं, याद रखिएगा अगर यूपीएससी पूछती है व्हेल मछली के लिए और कहां कहां पे है, साउदर्न ओशन व्हेल सेंचुरी और इंडियन ओशन व्हेल सेंचुरी। हर 10 साल बाद रिव्यू किया जाता है इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन के द्वारा कि सेंचुरी रखना है या फिर इस रीजन को नहीं रखना है। 2004 में जब रिव्यू मीटिंग हुई थी तो जापान के द्वारा प्रपोजल दिया गया था सेंचुरीज को हटा दो, लेकिन जापान के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि सपोर्ट नहीं मिली थी इनफ जापान को। इस प्रकार से हमने कॉमर्शियल व्हेलिंग से संबंधित पूरे इशू को रिवाइज किया। दिसंबर में जापान ने सदस्यता छोड़ दी थी इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन की, और अब जापान ने 30 साल बाद कॉमर्शियल व्हेलिंग फिर से स्टार्ट कर दी है, मतलब जापान ने अलाउ कर दिया है व्हेल मछली को पकड़ना, क्योंकि जापान के कल्चर के हिसाब से व्हेल मछली एक इंपॉर्टेंट डाइटरी कंपोनेंट है, मतलब खाने में इस्तेमाल होता है व्हेल मछली का। तो जापान ने कॉमर्शियल व्हेलिंग को एक बार फिर से स्टार्ट कर दिया है 30 साल बाद। चलते हैं आगे। आर्टिकल जनशक्ति अभियान के बारे में है। देश के विभिन्न हिस्सों में पानी की काफ़ी कमी देखने को मिल रही है, इसी के मद्देनज़र एक कैंपेन लॉन्च किया गया है वाटर कंजर्वेशन और वाटर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। ये एक टाइम बाउंड मिशन मोड कैंपेन है जो कि फोकस करेगा 257 डिस्ट्रिक्ट्स के 1592 वाटर स्ट्रेस्ड ब्लॉक्स में, मतलब 257 डिस्ट्रिक्ट्स में 1592 ऐसे ब्लॉक्स जहां पर फिलहाल वाटर स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, इन इलाकों में फोकस करेगा जनशक्ति अभियान। इस कैंपेन को रन किया जाएगा सिटीजन पार्टिसिपेशन की सहायता से। 1 जुलाई 2019 से लेकर 15 सितंबर 2019 के बीच ये कैंपेन चलेगा। इस कैंपेन में सेंट्रल गवर्नमेंट की विभिन्न मिनिस्ट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट्स आपस में कोलाबरेट करेंगे और कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा। मेनली देखो 5 लक्ष्यों पर फोकस किया जाएगा। सबसे पहले वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दूसरे नंबर पे ट्रेडिशनल या फिर दूसरी जो वाटर बॉडीज या फिर टैंक्स हैं उनका रिनोवेशन, तीसरे नंबर पे रीयूज ऑफ वाटर एंड रिचार्जिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, चौथे नंबर पे वाटर सेट डेवलपमेंट, और पांचवें नंबर पे इंटेंसिव एफोरेस्टेशन, मतलब ट्रीज को उगाया जाएगा बड़े लेवल पे। ये जो कैंपेन है ना, इसके साथ साथ ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एफिशिएंट वाटर यूज़ के लिए अलग से प्लान बनाए जाएंगे, इरिगेशन
के लिए भी पानी का जो इस्तेमाल हो वो एफिशिएंटली हो, इस चीज़ को भी प्रमोट किया जाएगा। और सबसे लास्ट में बेटर क्रॉप चॉइसेस। काफ़ी बार आपने देखा होगा ऐसे इलाके जहाँ पे वो फसलें उगाई नहीं जानी चाहिए जिनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन किसान ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करके उन फसलों को उगाने की कोशिश करते हैं जिससे ग्राउंड वाटर का जो लेवल है बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो जाता है। एग्जाम्पल दिया जाता है पंजाब हरियाणा का। पंजाब और हरियाणा में वैसे देखो धान की खेती होनी नहीं चाहिए, लेकिन पानी की व्यवस्था अच्छी है, किसान काफ़ी बार नीचे से पानी बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और धान की खेती होती है हरियाणा पंजाब में। अब देखो हरियाणा की सरकार ये प्रयास कर रही है कि जो किसान धान उगाते हैं वो धान के बजाय दूसरी फसलों को उगाएं, और इसके लिए सरकार इंसेंटिव भी देने की कोशिश कर रही है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया जनशक्ति अभियान के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मोजेक मिशन के बारे में है। ये मिशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसे ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। मोजेक का देखो पूरा नाम है मल्टी डिसिप्लिनरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी फॉर स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट। इस मिशन में क्या होगा, 17 देशों के साइंटिस्ट एक शिप में बैठ के जाएंगे। शिप होगा जर्मनी का RV पोलस्टन। ये देखो एक आइस ब्रेकर शिप है। कहाँ पर जाएंगे और क्यों जाएंगे, 17 देशों के साइंटिस्ट इस आइस ब्रेकर शिप में बैठकर जाएंगे आर्कटिक सी में। ये इंपॉर्टेंट है, UPSC ये पूछेगी कि मोजेक मिशन किससे संबंधित है, आर्कटिक सी से संबंधित है। तो इस मिशन में होगा क्या, ये जो शिप है ना जिस पर बैठ के जाएंगे 17 देशों के साइंटिस्ट RV पोलस्टन, ये बीच में जाके रुक जाएगा एक जगह पे, जानबूझ के मतलब रोक देंगे उस शिप को, और एक साल तक ये शिप वहीं पर खड़ा रहेगा। तो आसपास बहुत सारी बर्फ जम जाएगी, ये जानबूझ के ऐसा किया जाएगा, यानी जानबूझ के ट्रैप होने दिया जाएगा शिप को। तो उसके बाद एक टेम्प्रेरी कैंप इस्टेब्लिश किया जाएगा और रिसर्च की जाएगी किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज का बुरा असर पड़ रहा है आर्कटिक सी पर। तो आने वाली जनरेशंस जो हैं उनको देखो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा मिलेगा इस प्रोजेक्ट से, और ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा हमने डिस्कस किया 17 देशों के जो साइंटिस्ट हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं मोजेक मिशन में। फंडिंग काफ़ी सारे USA के संस्थानों से मिली है, जैसे नेशनल साइंस फाउंडेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नेशनल ओशियनिक एंड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड NASA, इन सब ने फंडिंग दी है मोजेक मिशन के लिए। चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट आर्टिकल हीट वेव से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है, पुणे में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है IITM, इस इंस्टीट्यूट के द्वारा एक एक्सटेंडेड रेंज प्रेडिक्शन सिस्टम डेवलप किया गया था ताकि हीट वेव का रियल टाइम प्रेडिक्शन हो सके, मतलब 2 से 3 हफ्ते पहले ही प्रिडिक्ट किया जा सके, बताया जा सके कि इस रीजन में हीट वेव आ सकती है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने ये जो एक्सटेंडेड रेंज प्रिडिक्शन सिस्टम है ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को। 2017 में ट्रांसफ़र किया गया था और 2 साल हो गए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा इस एक्सटेंडेड रेंज प्रिडिक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस साल हीट वेव का प्रिडिक्शन किया गया इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा इसी एक्सटेंडेड रेंज प्रिडिक्शन सिस्टम का इस्तेमाल करके। इस एक्सटेंडेड रेंज प्रिडिक्शन सिस्टम की जो एक्यूरेसी है ये देखो ऑलमोस्ट 70% है, काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी है, क्योंकि इससे पहले तो कोई रियल टाइम प्रिडिक्शन सिस्टम था ही नहीं हीट वेव की प्रिडिक्शन के लिए। फाइंडिंग्स की बात करें, अगर देखो हम 1981 से 2017 के बीच के डेटा को ऑब्जर्व करें तो रिसर्चर्स को ये पता लगता है दो रीजन हमारे देश में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और साउथ ईस्ट कोस्टल रीजन, इन दोनों रीजन्स में हीट वेव सबसे ज़्यादा आती हैं, यानी ये दोनों रीजन्स ज़्यादा वल्नरेबल हैं हीट वेव के। और वैसे देखो इन दोनों रीजन्स में समर सीजन में 8 या फिर 8 दिनों से ज़्यादा तक हीट वेव आती हैं। हीट वेव की डेफिनेशन क्या है, हीट वेव की देखो काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं। एक तो डेफिनेशन ये है मैक्सिमम टेम्परेचर के आधार पर, अगर देखो कहीं पर मैक्सिमम जो टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तो इसका मतलब वो रीजन हीट वेव का सामना कर रहा है। और अगर किसी रीजन में मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो 47 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे ज़्यादा हो जाता है तो इसका मतलब वो रीजन सीवियर हीट वेव का सामना कर रहा है। अब देखो
डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल के आधार पर भी हीट वेव को डिफाइन किया जा सकता है। मान लीजिए किसी एरिया में किसी दिन एवरेज जो टेम्परेचर है वो एक्स डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे फिलहाल जो टेम्परेचर है एक्स डिग्री सेल्सियस प्लस 4.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 6.4 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा है, मतलब एवरेज टेम्परेचर से वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 4.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 6.4 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा है। तो इसका मतलब वो रीजन हीट वेव का सामना कर रहा है। अगर उसी रीजन में नॉर्मल टेम्परेचर से टेम्परेचर ज़्यादा है 6.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, तो इसका मतलब ये है वो एरिया सीवियर हीट वेव का सामना कर रहा है। इसी प्रकार से कोस्टल रीजन्स के लिए अलग से डेफिनेशन है और वार्म नाइट्स के लिए अलग से डेफिनेशन है। तो इस प्रकार से आप हीट वेव्स को डिफाइन कर सकते हो काफ़ी सारे तरीकों से। नेक्स्ट आर्टिकल इम्यूनो कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन मैनेजमेंट से संबंधित है। आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले हम इम्यूनो कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब जान लेते हैं। इम्यूनो कॉन्ट्रासेप्शन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें फीमेल एनिमल के इम्यून सिस्टम का सहारा लिया जाता है एग के अराउंड प्रोटीन को बिल्ड करने के लिए ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो। साफ साफ शब्दों में बात करें तो एनिमल्स के इम्यून सिस्टम का सहारा लिया जाता है ये इंश्योर करने के लिए कि फर्टिलाइजेशन ना हो और एनिमल्स जो हैं वो बर्थ ना दें, बच्चों को जन्म ना दें। फ़ायदा इससे क्या होता है? फ़ायदा इसका ये होता है एनिमल्स की पॉपुलेशन कंट्रोल की जा सकती है, वो भी नॉन लीथल तरीके से, मतलब बिना जान लिए। देखो पिछले कुछ समय में कुछ एनिमल्स की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे नील गाय की पॉपुलेशन बिहार में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, मंकी की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी हिमाचल प्रदेश में। तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि इनको वर्मिन डिक्लेयर कर दिया जाए। जब देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत किसी एनिमल को वर्मिन डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उस एनिमल को मारा जा सकता है, उस एनिमल को मारने पर सजा नहीं होती। और ऐसा तब किया जाता है जब किसी एनिमल की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, किसानों को नुकसान पहुँचने लगता है या फिर जो लोकल लोग हैं वो भी काफ़ी तंग आ जाते हैं बढ़ती हुई उस एनिमल की पॉपुलेशन की वजह से, तब जाके उस एनिमल को वर्मिन डिक्लेयर किया जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिक्वेस्ट की जाती है और पावर किसी एनिमल को वर्मिन डिक्लेयर करने की है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। लेकिन काफ़ी सारी एनिमल्स के लिए काम करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सवाल उठाती हैं कि इस प्रकार से कैसे आप एनिमल्स की जान ले सकते हो, उनकी हत्या कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये जो इम्यूनो कॉन्ट्रासेप्शन का तरीका है ना, ये बेस्ट है कि आप एनिमल्स के इम्यून सिस्टम का सहारा लो, एग के अराउंड एक ऐसा प्रोटीन बिल्ड करो जिससे फर्टिलाइजेशन हो ही ना, यानी बच्चों का जन्म हो ही ना। तो अब कंटेक्स्ट की बात करते हैं। कंटेक्स्ट देखो ये है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कहा है हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है इम्यूनो कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स लेने के लिए ताकि वाइल्ड एनिमल्स की चार स्पीसीज को हम कंट्रोल कर सकें। कौन सी ये चार स्पीसीज हैं? एलिफेंट, वाइल्ड बोर, मंकी, ब्लू बुल यानी नील गाय। प्रोजेक्ट को पहले उत्तराखंड में स्टार्ट किया जाएगा और बाद में दूसरे राज्यों में भी एक्सटेंड किया जाएगा। और इसके लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी इन्होंने प्रोटोकॉल डेवलप किया है इम्यूनो कॉन्ट्रासेप्शन से संबंधित। हम बात करें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, ये देखो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत आता है। कहाँ पर बेस्ड है? चंद्रबानी देहरादून में। फंक्शन क्या है? स्पेशलाइज्ड रिसर्च कंडक्ट की जाती है काफ़ी सारे एरियाज में, जैसे इंडेंजर्ड स्पीसीज, बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ पॉलिसी, वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक्स, हैबिटेट इकोलॉजी, स्पेशल मॉडलिंग, इको डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया की फर्स्ट काउ सेंचुरी के बारे में है। देखो इंडिया की फर्स्ट काउ सेंचुरी कहाँ पर है? आगरमालवा डिस्ट्रिक्ट। ये आगरमालवा डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में। यहाँ पर इंडिया की पहली काउ सेंचुरी इस्टाब्लिश की गई थी 2017 में और इस काउ सेंचुरी को इस्टाब्लिश करने में खर्च आया था 32 करोड़। यहाँ पे एक समय में 6000 के आसपास गाँव को रखा जा सकता है, खास करके बूढ़ी और जो बीमार गायें हैं जो अभी मिल्क प्रोड्यूस नहीं करती हैं उनको इस काउ सेंचुरी में रखा जाता है। कंटेक्स्ट देखो ये है, सरकार प्लान कर रही है कि इस काउ सेंचुरी को प्राइवेटाइज किया जाए। मेन चीज़ ये है कि सरकार से ये काउ सेंचुरी अब चल नहीं रही है,
खर्चा काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। पिछले साल 600 गाय की डेथ हो गई थी इस काउ सेंचुरी में, तो सरकार ये सोच रही है किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया जाए इस काउ सेंचुरी को, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन इस काउ सेंचुरी को मैनेज करे। सरकार को लगता है कि इससे पैसों की भी काफ़ी बचत हो जाएगी। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्लान बी के बारे में है। देखो, वर्ल्ड में इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स की डेथ होती है ट्रेन से टकराने से। चलती ट्रेन से हाथी टकरा जाते हैं, जिस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने एक बहुत ही यूनिक तरीका खोजा है इस प्रकार के एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए और हाथियों की जान बचाने के लिए। देखो, जो हाथी होते हैं ना, वो इंसेक्ट से डरते हैं। इंसेक्ट से यानी मच्छरों से, मक्खियों से, इनसे बहुत डर लगता है हाथियों को। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने क्या किया है, ट्रैक्स के पास कई जगह पर इस प्रकार के डिवाइस लगाए हैं, काइंड ऑफ एम्पलीफायर, जिससे कि मधुमक्खियों के झुंड की आवाज़ आती है। जो हनी बीज होती हैं यानी मधुमक्खी, शहद वाली मक्खी, वो मक्खियाँ जब झुंड में चलती हैं, काफ़ी सारी मक्खियाँ एक साथ जब चलती हैं तो आवाज़ आती है। उस प्रकार की आवाज़ निकलती है उन डिवाइसेस से जिनको इंस्टॉल किया गया है ट्रैक्स के पास। अब देखो, हाथी इस आवाज़ को सुन सकते हैं जब वो इवन 600 से 700 मीटर तक दूर होते हैं। तो जब हाथी इस प्रकार की मधुमक्खियों की झुंड की आवाज़ सुनते हैं तो वो ट्रैक के नज़दीक नहीं आते, वो ट्रैक से दूर रहेंगे। तो इसका मतलब एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सकता है। तो इस प्रकार का पहला जो डिवाइस है वो इंस्टॉल किया गया है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के नज़दीक। इस डिवाइस के लिए इंडियन रेलवेज के द्वारा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे को सम्मानित भी किया गया है। बेस्ट इनोवेशन अवार्ड जीता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया प्लान बी के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल लोकस्ट आउटब्रेक से संबंधित है। देखो, लोकस्ट ग्रास होपर्स से संबंधित है। ग्रास होपर का मतलब होता है टिड्डा। अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। हिंदी भाषा में इसे टिड्डा कह दिया जाता है। आप तस्वीर देख लीजिए, तस्वीर से आपको समझ में आ जाएगा लोकस्ट का क्या मतलब होता है। लोकस्ट ग्रास होपर से संबंधित एक इंसेक्ट है, यानी टिड्डे से संबंधित एक इंसेक्ट है। क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट देखो ये है, पाकिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर टच होता है गुजरात और राजस्थान में, बॉर्डर के नज़दीक के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर इन लोकस्ट की यानी इन इंसेक्ट्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और देखो, ये एग्रीकल्चर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, खड़ी फसलों को ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। खास करके डेजर्ट जो लोकस्ट होता है, ये झुंड में बहुत दूरी एक साथ ट्रेवल कर लेते हैं, और खास करके इन्वायरमेंट कंडीशंस जब ऐसी हों, ग्रीन प्लांट्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हों, तो ये जो लोकस्ट हैं यानी टिड्डे हैं, एक झुंड सा बना लेते हैं और खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन देखो, आउटब्रेक का तो अलग ही मतलब है। थोड़े बहुत टिड्डा है, मतलब 4-5 हैं तो अलग चीज़ है, कोई चिंता की बात नहीं होती। चिंता की बात तब होती है जब सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो टिड्डे हैं वो देखे जाते हैं खेतों के आसपास, तब किसानों को काफ़ी चिंता होने लगती है। और अभी फ़िलहाल यही हो रहा है। कुछ डेटा है यहाँ पर, कितने लोगों को प्रभावित करते हैं ये टिड्डे यानी लोकस्ट, कितना खा सकते हैं। ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब प्रीलिम में पूछे जाने की संभावना नहीं है इस डेटा की। इंपॉर्टेंट बात आगे ये है, एक स्कीम सरकार के द्वारा चलाई गई थी, लोकस्ट कंट्रोल एंड रिसर्च स्कीम। ये स्कीम को इंप्लीमेंट किया जा रहा है लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन का काम यही है कि अगर इन टिड्डों की संख्या एकदम से ज़्यादा बढ़े तो किसानों को वार्निंग दी जा सके और इन टिड्डों की जो बढ़ी हुई संख्या है उसे कंट्रोल करने के लिए उचित उपाय किए जा सकें। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था 1939 में, बाद में इसे अमालगेट कर दिया गया, मतलब मिला दिया गया एक दूसरी संस्था से जिसका नाम है PPQS, यानी डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट्स प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। ये संस्था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आती है। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन का काम देखो ये है, लोकस्ट की सिचुएशन को मॉनिटर करना, कंट्रोल करना, खास करके शेड्यूल्ड डेजर्ट एरियाज में, कहाँ पर, राजस्थान और गुजरात में और थोड़ा बहुत पंजाब और हरियाणा में। हर 14-15 दिनों में एक बुलेटिन रिलीज किया जाता है लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा,
लोकस्ट की सिचुएशन के बारे में, यानी इन इंसेक्ट्स की सिचुएशन के बारे में, कितने हैं, बड़े तो नहीं हैं। और हेल्पलाइन भी सेटअप की जाती है ताकि अगर फार्मर्स को कोई दिक्कत है, उनको लगता है कि इन टिड्डों की संख्या बढ़ रही है, तो वो सूचित कर सकते हैं लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया लोकस्ट आउटब्रेक के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट इस बात पर राजी हो गया है कि वो इस बात को जज करेंगे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने का अधिकार है या नहीं है, यानी कि किसी मुद्दे को वो खुद से सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते हैं। एक्चुअली में देखिए, मद्रास हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी को सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स चलाने से रोक दिया है। उनका मतलब आर्ग्यूमेंट ये दिया जा रहा था कि ये अधिकार जुडिशरी को है, किसी ट्रिब्यूनल को नहीं है। एनजीटी इसके पहले कई सारे मुद्दों पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले चुकी है, यानी कि वो खुद से ही किसी मुद्दे की जांच पड़ताल कर चुके हैं। ऐसा उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के संबंध में महाराष्ट्र में भी किया था। देखिए, एनजीटी को 2010 में स्टैब्लिश किया गया था एनजीटी एक्ट 2010 के तहत। इसके अस्तित्व में आने के बाद 1995 का नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट और नेशनल इन्वायरमेंटल अपीलेट अथॉरिटी एक्ट 1997 रिपील हो गया था, यानी कि खत्म हो गया था। एनजीटी एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो कि इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट्स को हैंडल करती है। फंक्शंस कई सारे हैं, ऐसे केसेस को डिस्पोज करना जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से संबंधित हैं, किसी ऐसे लीगल राइट को इन्फोर्स करना जो कि इन्वायरमेंट से संबंधित है, रिलीफ देना ऐसे पर्सन या प्रॉपर्टी को जो कि इन्वायरमेंट से रिलेट करते हैं किसी ऐसे मुद्दे पर। जो प्रिंसिपल प्लेस है सिटिंग का ट्रिब्यूनल का, वो न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा कुछ रीजनल ऑफिसेज भी हैं 4 जगहों पर, जैसे कि भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो कंपोजिशन होता है 2010 के एक्ट के मुताबिक, उसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और 10 एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। जितने एक्सपर्ट मेंबर्स होंगे उतने ही इक्वल नंबर में जुडिशियल मेंबर्स भी होंगे। इनकी संख्या मिनिमम 10 हो सकती है और मैक्सिमम 20 हो सकती है। पावर्स क्या हैं? इनके पास कई तरीके की पावर्स हैं, जैसे कि ये एक सिविल कोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बेसिस पे काम करते हैं। सीआरपीसी या आईपीसी को फॉलो करना इनके लिए बाइंडिंग नहीं है। ये केस के फाइल होने के 6 महीनों के भीतर उसे रिजॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और ऐसे कोई भी सिविल केसेस जो कि इन्वायरमेंट से संबंधित हैं, उनके संबंध में इनके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है, यानी कि सीधे एनजीटी को अप्रोच किया जा सकता है। एनजीटी के अगेंस्ट में अपील केवल सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए है, देख लीजिए कि एनजीटी के संबंध में आपको स्टेटमेंट्स को समझना है। ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जिसके पास नेसेसरी एक्सपर्टीज है इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट्स को हैंडल करने के लिए। ये सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स के तहत बाउंड नहीं होती है, बल्कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बेसिस पे काम करती है। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि इसका जो ऑफिस है वो मुंबई में है। तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत है, बाकी के दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इस लिहाज से जो आंसर निकल के आएगा दैट वुड बी ए, यानी कि 1 और 2 इज करेक्ट। आर्टिकल है वो ऑर्चिड्स के बारे में है। देखिए, कल चंद्रयान 2 का जो आर्टिकल था वो थोड़ा लंबा हो गया था, हालांकि वो बहुत इंपॉर्टेंट भी था, लेकिन उसकी वजह से हमें बाकी के टॉपिक्स पर कम समय मिला। हम एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करने का प्रयास करेंगे जिससे कि हम लिमिटेड समय में सभी आर्टिकल्स को अच्छे से डिस्कस कर लें। ये न्यूज़ में क्यों है? ऑर्चिड्स का ये टॉपिक न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में एक पहला कंप्रिहेंसिव सेंसस ऑर्चिड्स के लिए लॉन्च किया, और जो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑर्चिड्स की इंडिया में बताई गई इस सेंसस में, दैट वॉज 1,256, यानी कि 1,256। ऑर्चिड्स एक्चुअली में एक तरीके के डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल सजावट के लिए किया जाता है। इनकी बहुत बड़ी मात्रा इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पाई जा सकती है। ऑर्चिड्स को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहली कैटेगरी है एपिफाइटिक। एपिफाइटिक से हमारा मतलब ऐसे प्लांट से है जो किसी अन्य प्लांट पर उग आते हैं और अपना न्यूट्रिशन भी उसी प्लांट से लेते हैं। ऐसे पौधे कई बार किसी बड़ी चट्टान पर भी उग आते हैं, लेकिन जब ये किसी बड़ी चट्टान पर उगते हैं, रॉक बोल्डर्स पर उगते हैं, तो इन्हें लिथोफाइट कहा जाता है। दूसरी कैटेगरी टेरेस्ट्रियल की है। टेरेस्ट्रियल ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो लैंड पर उगते हैं, लेकिन यूजुअली ये क्लाइंबर्स होते हैं, मतलब ये अपने पोर्स के जरिए अगर इनके आसपास कोई चीज़ है, पौधा है, दीवार है, तो वो उस पर चढ़ने लग जाते हैं। और तीसरी कैटेगरी है माइकोहेट्रोट्रॉफिक। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने न्यूट्रिएंट्स को माइकोराइजल के जरिए, एक माइकोराइजल फंगी होता है जो कि पौधों की जड़ों में एक्चुअली पाया जाता है, वहाँ से ये अपने न्यूट्रिशन को अवेल करते हैं। ये यूजुअली हर तरीके के वास्कुलर प्लांट्स में पाए जाते हैं। ये जो इस माइकोराइजल फंगी है, 80% आप ये मान सकते हैं जो वास्कुलर प्लांट्स हैं उनकी जड़ों में आपको ये माइकोराइजल फंगी मिल जाएगा। इसका फ़ायदा भी मिलता है पौधों को, बिकॉज सपोज करिए किसी पौधे की जो जड़ है वो इतनी स्प्रेडेड है, लेकिन ये जो फंगस हैं ये अपने आप को उस रूट से जोड़ लेते हैं और ये इस पौधे की जड़ के स्प्रेड को इन्हेंस कर देते हैं, जिससे कि ये पौधा अपनी जड़ों के इतर काफ़ी ज़्यादा दूरी तक मिट्टी से न्यूट्रिशंस को या फिर पानी को ले पाता है।
तो ये तो हमने ऑर्चिड्स के कुछ बेसिक्स देखे। देखिए ऑर्चिड्स एक डेकोरेटिव फ्लावरिंग प्लांट है, ये हम बात कर चुके हैं। ये मॉडरेट क्लाइमेट कंडीशन में उगता है, जैसे कि सब ट्रॉपिक्स का एरिया हो जहाँ पर अच्छी खासी बारिश भी होती हो। यही कारण है कि ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अच्छा पाया जाता है, जिस पर हमने चर्चा की। इनकी ग्रेट डिमांड साउथ ईस्ट एशियन रीजन में भी रहती है, बिकॉज डेकोरेशन के लिए इनका बहुत ही वाइडली इस्तेमाल किया जाता है। अगला आर्टिकल देखते हैं जो कि इलेक्टोरोनिस चेंगुआंगी, एक बर्ड है उसके बारे में है। देखिए ये बर्ड एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, अब इसका अस्तित्व नहीं है। इसका जो पंजा होता था वो बहुत लंबा हुआ करता था। इसका जिक्र अभी हाल ही में एक स्टडी पब्लिश की गई है जनरल करेंट बायोलॉजी में, वहाँ पर इसका जिक्र किया गया है, दैट्स वाई ये न्यूज़ में है। इसका जो पंजा था वो काफ़ी लंबा हुआ करता था। इसका मेजरमेंट 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग किया गया है और वेट 5.5 ग्राम्स। ये डिस्कवर किया गया था 2014 में हुकवांग वैली में, जो कि म्यांमार में सिचुएटेड है। और ये जो एविडेंसेस हमें मिले थे ये 99 मिलियन ईयर्स एगो के थे, मतलब कि काफ़ी पुराने एविडेंसेस यहाँ पर 2014 में गेन किए गए थे। एक्चुअली में ये जो बर्ड है ये मेसोजोइक एरा में हुआ करती थी। मेसोजोइक एरा जो है इसी समय जुरासिक एज भी हुआ करता था, उस समय डायनासोर्स भी हुआ करते थे और उसी एज में ये बर्ड भी एग्जिस्ट करती थी। हालांकि ऐसा माना जाता है कि 66 मिलियन ईयर्स एगो ये बर्ड भी डायनासोर्स के साथ ही एक्सटिंक्ट हो गई थी, अब इनका कोई भी लिविंग डिसेंडेंट्स उपस्थित नहीं। अगला आर्टिकल बताता है कि मेघालय पहला राज्य बन गया है जहाँ पर वाटर कंजर्वेशन को इंश्योर किया जा रहा है। मेघालय अभी पहला स्टेट बन गया है इंडिया का, इसीलिए ये न्यूज़ में है, क्योंकि उन्होंने एक ड्राफ्ट वाटर पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया है, अप्रूव कर दिया है, ताकि वाटर इशू को एड्रेस किया जा सके, कंजर्व किया जा सके और वाटर सोर्सेज को स्टेट में प्रोटेक्ट भी किया जा सके। मेघालय की लोकेशन आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। पॉलिसी का एम क्या है? पॉलिसी का एम ये है कि वाटर रिसोर्सेज को रिकग्नाइज किया जाए एज अ कॉमन पूल रिसोर्स, मतलब कि ऐसे रिसोर्स जो सबके फायदे के लिए हैं, ताकि उनको एक सेफ और हाइजीनिक वाटर प्रोवाइड करवाया जा सके ड्रिंकिंग के लिए। अगर ये कॉमन पूल रिसोर्स होगा तो कोशिश की जाएगी कि सभी लोगों को सेफ और हाइजीनिक ड्रिंकिंग वाटर दिया जा सके। पॉलिसी का इंटेंशन क्या है? पॉलिसी का इंटेंशन ये है कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव किया जा सके। लोगों के पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना ज़रूरी होगा। इसके लिए कम्युनिटी लेवल पर एक वाटर सैनिटेशन विलेज काउंसिल की स्थापना की जाएगी। विलेज लेवल पे एग्जैक्टली ये वाटर सैनिटेशन विलेज काउंसिल स्टैब्लिश किए जाएंगे, जिनका काम ये होगा कि ये वाटर बॉडीज़ पर निगरानी रखें, उनकी सिचुएशन को देखते रहें, उनमें पोल्यूटेंट्स को जाने से रोकें, उसकी निगरानी करें। तो ये काम वाटर सैनिटेशन विलेज काउंसिल को दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल हमने वाटर कंजर्वेशन के बारे में देखा। अगला आर्टिकल स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के बारे में है। ये प्रोग्राम HRD मिनिस्ट्री के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है, दैट्स वाई इट इज़ इन न्यूज़। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि हायर एजुकेशन के लिए इंडिया में फॉरेन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया जाए। स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम HRD मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है, ये आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि इंडिया को एक प्रेफर्ड एजुकेशन डेस्टिनेशन बनाया जाए फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, ताकि दूसरे देशों से बच्चे इंडिया में पढ़ाई करने के लिए आएँ। इंडिया अपने सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करेगा नेबरिंग कंट्रीज़ में या डिप्लोमेटिक टूल्स का इस्तेमाल करेगा, ताकि दूसरे देशों से बच्चों को इंडिया में अट्रैक्ट किया जा सके। तीसरा, जो ग्लोबल एजुकेशन एक्सपोर्ट मार्केट है, इंडिया का शेयर अभी उसमें 1% से भी कम है, इसे डबल करना है, यानी कि 2% तक लेकर जाना है। हमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट इम्बैलेंस को स्टैब्लिश करना है, मतलब भारत से दूसरे देशों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा है कंपैरिजन टू उन बच्चों की जो भारत में पढ़ाई करने के लिए आते हैं, तो हमें इस इम्बैलेंस को सही करना है। इनबाउंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बूस्ट करना है। इनबाउंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से हमारा मतलब ऐसे स्टूडेंट्स से है जो भारत में पढ़ाई करने के लिए आएंगे। ग्लोबल रैंकिंग इंडिया के एजुकेशनल डेस्टिनेशन की इन्हेंस करनी है, ताकि बच्चे अट्रैक्ट हों और इंडिया में इनको क्वालिटी एजुकेशन मिले। इंडिया की जो ग्लोबल मार्केट शेयर है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से, उसकी ग्रोथ को भी इंश्योर करना है। तो ये कई तरीके के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इस प्रोग्राम में डिसाइड किए गए हैं। तो कैसे इंसेंटिवाइज किया जाएगा फॉरेन स्टूडेंट्स को, ताकि वो भारत में आके पढ़ाई करें? फी वेवर्स दिए जाएंगे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को। कॉल सेंटर्स को स्टैब्लिश किया जाएगा, अगर उनकी कोई क्वेरी है तो वो पूछ पाएँ। ये एक्चुअली में सोर्स ऑफ फॉरेक्स भी होगा, क्योंकि जब भी कोई बाहर से बच्चा इंडिया में पढ़ाई करने के लिए आएगा तो वो फॉरेन करेंसी में अपनी फ़ी को डिपॉजिट करेगा। स्टडी इन इंडिया ये जो प्रोग्राम है इसे EDCIL संचालित करेगा। फुल फॉर्म है एजुकेशनल कंसल्टेंट ऑफ इंडिया। एक्चुअली में ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत काम करेगा। ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है चार मिनिस्ट्रीज का, नाम बोल रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिर से रिपीट करता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स,
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज नॉट इन्वॉल्व इन स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम। आर्टिकल है वो जलयुक्त शिविर के बारे में है। कंटेक्स्ट क्या है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जलयुक्त शिविर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है ताकि 5,000 गांवों को वाटर स्कैसिटी से फ्री किया जा सके। जहां एक ओर भारत की कई सारी सिटीज पानी की कमी की चपेट में आ रही हैं, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उठाया गया ये कदम महत्वपूर्ण है। तो ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। उद्देश्य क्या है कि 5,000 गांवों को वाटर स्कैसिटी से फ्री किया जा सके। टारगेट एरियाज होंगे ड्रॉट प्रोन एरियाज, ऐसे एरियाज जहां पर पानी की अक्सर कमी देखी जाती है, और इस समस्या के समाधान के लिए वाटर कंजर्वेशन मेजर्स ऑप्ट किए जाएंगे ताकि पानी के सस्टेनेबल यूज को प्रमोट किया जा सके। यह भी प्रपोजल है कि जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है उसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, पानी को स्टोर करके रखने की क्षमता में वृद्धि की जाए। एक डेडिकेटेड कमेटी का भी निर्माण किया जाएगा। इस डेडिकेटेड कमेटी का काम क्या होगा? काम ये होगा कि ये असिस्ट करें, यानी कि मदद करें। किस चीज में मदद करें? वाटर सेट्स के कंस्ट्रक्शन में, ऐसे कंस्ट्रक्शन में जो पानी को स्टोर करके रख सके, जैसे कि फार्म पॉन्ड्स, सीमेंट नाला बंड्स। जैसे अगर कोई छोटा सा वाटर चैनल है तो उसके बीच में कई सारे बंड्स बना दिए जाते हैं ताकि पानी वहां पर रुक सके, सीधा फ्लो करके निकल ना जाए। इसके इतर जो एग्जिस्टिंग वाटर बॉडीज हैं उनको भी रिजुविनेट किया जाएगा, यानी कि फिर से बेहतर स्थिति में लाया जाएगा ताकि वो भी पानी को स्टोर कर सकें। जब से जलयुक्त शिविर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, इसने 11,000 गांवों को ड्रॉट फ्री डिक्लेयर किया है। जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है वो बढ़ी है, और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है ऐसे गांवों में वो 30-50% तक इंक्रीज हुई है। तो इस प्रोग्राम ने पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया है, उम्मीदतन ये आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगा। वाटर के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। शेड्यूल 7 के तहत वाटर एक स्टेट सब्जेक्ट है जिसका जिक्र स्टेट लिस्ट में एंट्री 7 में किया गया है, एंट्री 17 में किया गया है, नॉट 7, इट्स 17। पानी के अलावा वाटर सप्लाईज, इरीगेशन एंड कनाल्स, ड्रेनेज एंड एम्बार्कमेंट्स, वाटर स्टोरेज एंड वाटर पावर, ये सभी स्टेट लिस्ट में आते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के द्वारा एक जल शक्ति मिशन भी लॉन्च किया गया। ध्यान दीजिएगा, हम जल शक्ति मिनिस्ट्री की बात नहीं कर रहे, जो कि सेंट्रल लेवल पे तैयार की गई है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के जल शक्ति मिशन के बारे में, जो कि वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। जो सभी इश्यूज रिलेटेड हैं वाटर से, जैसे कि पानी को कैसे यूटिलाइज किया जाए, कैसे प्रिजर्व किया जाए वाटर बॉडीज में, इनके लिए ना केवल पॉलिसी तैयार करना बल्कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना इस मिशन के तहत किया जाएगा। एक वाटर सैनिटेशन विलेज काउंसिल का भी निर्माण किया जाएगा विलेज लेवल पे, जो इन सभी कामों को अंजाम देगी। देखिए, मेघालय ने अभी, मतलब मेघालय अभी पहला स्टेट बन गया है जिसने ड्राफ्ट वाटर पॉलिसी को अप्रूव किया। इसके बारे में हमने कल चर्चा भी की थी। तो पानी की कमी को देखते हुए कई सारे स्टेट्स कदम उठा रहे हैं। महाराष्ट्र वैसे तो बहुत सारी रेनफॉल अवेल करता है, लेकिन पानी वहां टिकता नहीं, सीधे बांग्लादेश में निकल जाता है। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मेघालय के बारे में ये भी है कि मेघालय पहला स्टेट था जिसने सोशल ऑडिट लॉ पास किया था। सोशल ऑडिट लॉ के तहत सरकार के द्वारा जो भी स्कीम्स इंप्लीमेंट की जा रही हैं उनमें जो पैसा क्लेम किया जा रहा है कि लगा है, उसे कम्युनिटी जज कर सकती है कि वो लगा भी है या नहीं लगा है। तो ये एक अच्छी बात है, अलग अलग राज्यों को इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। अगला आर्टिकल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में है। कंटेक्स्ट क्या है? यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने 12 बीचेस को सेलेक्ट किया है जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए कंटेंड करेंगे, मतलब कि वो उसकी तैयारी करेंगे, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के जो पैरामीटर्स हैं उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ये दुनिया का मोस्ट रिकग्नाइज्ड वॉलेंट्री इको लेबल है जो किसी भी बीच को या फिर बंदरगाह को दिया जाता है। बीच मरीनास का मतलब बंदरगाह होता है, या फिर सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर्स को भी ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए क्वालिफाई करने के लिए कई सारे स्ट्रिंजेंट एनवायरमेंटल, एजुकेशनल और सेफ्टी जो प्रोविजंस हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, क्राइटेरियाज को फुल करना पड़ता है और उन्हें मेंटेन भी करना पड़ता है। लगभग 33 क्राइटेरियाज हैं जिन्हें क्वालिफाई करना होता है अगर किसी भी बीच मरीनास को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन अवेल करना है। तो मरीनास से हमारा मतलब बंदरगाह से है, जैसे कि वहाँ की वाटर क्वालिटी का एक स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए, वाटर डिस्पोजल फैसिलिटी होनी चाहिए, डिसेबल फ्रेंडली होना चाहिए वो बीच या फिर मरीना, और फर्स्ट एड इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल होने चाहिए। ब्लू फ्लैग प्रोग्राम बीचेस या मरीनास को दिए जाते हैं, और ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है इंटरनेशनल, एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नाम है फी, FEE, फुल फॉर्म है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन।
फी यानी कि फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन को एस्टैब्लिश किया गया था फ्रांस में 1985 में। उसके बाद 2001 तक इन्होंने यूरोप के अन्य हिस्सों में अपने स्प्रेड को इन्हेंस किया। स्पेन इनके लिस्ट में टॉप करता है जिसके पास 566 ऐसे बीचेस हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जा चुका है। ग्रीस और फ्रांस उसके बाद आते हैं जिनके पास 515 और 595 सर्टिफिकेशंस हैं रेस्पेक्टिवली। देखिए इंडिया के बीचेस भी इस क्राइटेरिया को फुलफिल करके ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन अवेल कर सकें, इसके लिए कई सारे प्रयास सरकार के द्वारा भी किए गए हैं, जैसे कि टॉयलेट ब्लॉक्स तैयार किए गए हैं, चेंजिंग रूम्स बनाए जा रहे हैं, शॉवर पैनल्स लगाए जा रहे हैं, ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स वहाँ पर इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, साथ ही मिनी सॉलिड वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट्स भी वहाँ पर बीचेस पर तैयार किए जा रहे हैं, ऑफ ग्रिड सोलर फोटोवोल्टिक पैनल्स भी लगाए जा रहे हैं। हाँ, इन पर यह ध्यान देना होता है कि इनकी दूरी हाई टाइड लाइन से 10 मीटर की दूरी पर ये सारे जो फैसिलिटीज़ हैं वो होनी चाहिए। हाई टाइड का मतलब ये होता है कि हाई टाइड लाइन का मतलब ये होता है कि जब हाई टाइड आती है तो पानी कितनी दूरी तक जाता है, अगर वो यहाँ तक जाता है तो आप सारी फैसिलिटीज़ इसके बाद लगाइए, इसके पहले मत लगाइए, ठीक है। अब अगला आर्टिकल देखते हैं, लेसर फ्लोरिकन और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का नाम तो आपने सुना ही होगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का ही एक वेरिएंट है लेसर फ्लोरिकन। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में ये कहा है कि अर्जेंटली एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया जाए जो कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन को बचाने के लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान तैयार करें। इसीलिए ये टॉपिक न्यूज़ में है। तो सबसे पहले हम लेसर फ्लोरिकन के बारे में बात कर लेते हैं। लेसर फ्लोरिकन को लिख या फिर खारमोर के नाम से भी जाना जाता है। बस्टर्ड फैमिली का ये सबसे छोटा पक्षी होता है, मतलब बस्टर्ड फैमिली के जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन ये सबसे छोटा पक्षी होता है बस्टर्ड फैमिली का, जिसका नाम लेसर फ्लोरिकन है। नाम में भी लेसर लगा हुआ है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एंडेमिक है। एंडेमिक होने का मतलब ये होता है कि ये केवल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही पाया जाता है। देखिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब इंडिया नहीं है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही नेपाल, बांग्लादेश, भूटान ये भी आ जाते हैं। तो जब हम सब कॉन्टिनेंट कहें और इंडिया कहें तो दोनों में अंतर है। एंडेमिक टू इंडिया इज डिफरेंट थिंग और एंडेमिक टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज डिफरेंट थिंग। देखिए जहाँ पर बड़ी बड़ी घासें होती हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं, वहाँ पर ये लेसर फ्लोरिकन पाए जाते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में इन्हें इंडेंजर्ड डिक्लेयर किया गया है। फिर से रिपीट करता हूँ, IUCN की रेड लिस्ट में इन्हें इंडेंजर्ड डिक्लेयर किया गया है। लेसर फ्लोरिकन स्मॉलेस्ट बस्टर्ड इस दुनिया का है, जिसका वेट मुश्किल से 500 से 750 ग्राम होता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, लेसर फ्लोरिकन को लिख या खारमोर भी कहा जाता है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट का एंडेमिक है, IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है और स्मॉलेस्ट बस्टर्ड है दुनिया का, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। इसकी जो पॉपुलेशन है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, वो मोस्टली राजस्थान और गुजरात में कन्फाइंड है। हालांकि इनकी कुछ पॉपुलेशन आपको महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में भी मिल जाएगी। अगर कोई ये कह दे कि केवल राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। ये राजस्थान के स्टेट बर्ड भी है। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का? शेड्यूल 1 में लिस्टेड है इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को मिली हुई है। इसके इतर ये साइट्स के अपेंडिक्स 1 में भी है और इतनी हाई प्रोटेक्शन का कारण ये है बिकॉज इट इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इनकी संख्या बहुत कम है। तो इसी टॉपिक के संबंध में एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक्चुअली मैं आपको एक हिंट दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि हम किस नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं। इस नेशनल पार्क का ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन एक बर्ड है जिसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है और केवल इंडिया में ही पाई जाती है। आप बताइए हम किस नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं, कोल्लेरू नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं, डेजर्ट नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं या फिर अगस्था मलाई नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं? ट्राई टू गेस। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। आर्टिकल हंगुल की डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि हंगुल, जिसे आप कश्मीरी स्टैग के नाम से भी जानते हैं, एक मॉनिटरिंग एक्सरसाइज में ये पाया गया कि उनकी पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से गिर रही है। इनफैक्ट जो फॉन हिंड और स्टैग हिंड रेशियो है उसमें भी बहुत तेज़ी से डिक्लाइन देखा जा रहा है। फॉन का मतलब हिरन के ऐसे बच्चे से होता है जिसकी उम्र 1 साल से कम हो, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। हिंड का मतलब एक फीमेल डियर से है और स्टैग का मतलब एक मेल डियर से है जिनकी उम्र कम से कम 3 साल की हो। इस एक्सरसाइज को किसने कंडक्ट किया था? इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। जिनको मदद मिली थी या फिर कोलैबोरेशन मिला था, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि WII के द्वारा। रिपीट करता हूँ, इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन कोलैबोरेशन विद वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। फॉन एक यंग डियर होता है
जो कम से कम जो एक साल के भीतर का हो, वो मेल फीमेल दोनों हो सकता है। हिंड फीमेल डियर को कहा जाता है और हिंड के काउंटर पार्ट यानी कि मेच्योर मेल डियर को स्टैक कहा जाता है। तो ये तो उनके बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, मेल फीमेल और फॉन फीमेल रेशियो बहुत ही क्रूशियल होता है डियर की पॉपुलेशन को कंजर्व और मैनेज करने के लिए। फॉन डियर के बच्चे को कहा जाता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हालांकि हंगुल की जो पॉपुलेशन है वो डाचीगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक ही लिमिटेड है, जो कि श्रीनगर से महज 22 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन इनकी एक छोटी सी पॉपुलेशन ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी पाई जाती है, जो कि साउथ कश्मीर में है। कश्मीर स्टैग स्टेट एनिमल है जम्मू एंड कश्मीर का। आई रिपीट, कश्मीर स्टैग स्टेट एनिमल है जम्मू एंड कश्मीर का, और ये ओनली सर्वाइविंग स्पीसीज है रेड डियर की। IUCN की रेड लिस्ट में इसे क्लासिफाई किया गया है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये बात आपको याद रखनी है, दैट इट इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड इन IUCN's रेड लिस्ट, और इसे इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत शेड्यूल 1 में रखा गया है। साथ ही साथ ये जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978 में भी बेहतर तरीके से कंजर्व किया गया है। तो हंगल की पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। डाचीगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर साइड में मैप है, यू कैन सी यहाँ पर जो एक रेड स्पॉट आपको दिख रहा है वो श्रीनगर है, और यहाँ से महज 22 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर आपको डाचीगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगा। डाचीगाम का शाब्दिक अर्थ होता है 10 विलेजेस, यानी कि 10 गांव। 10 गांव या उससे बड़े एरिया को कवर करते हुए इस सेंचुरी को बनाया गया होगा। होपफुली ये नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से महज 22 किलोमीटर की दूरी पर है। फौना की बात करें तो ये बेसिकली हंगुल की पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है, जिसे आप कश्मीर स्टैग भी कहते हैं। फ्लोरा की बात करें तो पार्क में बहुत ही डाइवर्स और सिग्निफिकेंट इकोसिस्टम आपको मिल जाएगा, जहाँ पर कई तरीके के पेड़ आपको मिल जाएंगे। दैट कैन इंक्लूड वॉलनट यानी कि अखरोट, एप्रिकॉट जिसे आप खुबानी के नाम से जानते हैं, एप्पल, सेब, पियर, नाशपाती, वाइल्ड चेरी, प्लम, चेस्टनट, शाहबलूत कहा जाता है चेस्टनट को हिंदी में। बाकी ये होता कैसा है आप चाहें तो गूगल सर्च करके इमेजेस देख सकते हैं। विलो, सरपत को विलो कहा जाता है, ओक और बर्च के पेड़ भी आपको मिल जाएंगे। तो बहुत ही डाइवर्स इकोसिस्टम आपको मिल जाएगा डाचीगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। आर्टिकल रतापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी ये डिसाइड किया है कि वो रतापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर देंगे, और इस बात की अनुमति उन्हें आज से 11 साल पहले ही नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि NTCA के द्वारा दी जा चुकी है। सेंचुरी के बारे में कुछ बातें करते हैं। ये सेंचुरी भोपाल रायसेन फॉरेस्ट डिवीजन का जो एरिया है मध्य प्रदेश में, उसके 890 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में स्प्रेडेड है, यानी कि फैला हुआ है। जो सेंचुरी है यानी कि रतापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर 40 टाइगर्स की पॉपुलेशन पाई जाती है, जबकि 12 टाइगर्स को रिपोर्ट किया गया है भोपाल के फॉरेस्ट एरिया में। तो जो भोपाल का फॉरेस्ट एरिया है प्लस रतापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों को मिलाकर टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये जो पूरा एरिया बनेगा दैट विल बी अबाउट 3500 स्क्वायर किलोमीटर। जो टोटल एरिया होगा वो 3500 स्क्वायर किलोमीटर का होगा, जो कि रायसेन, सहोर और भोपाल डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेगा। यही एरिया इस टाइगर रिजर्व के लिए रिजर्व भी किया गया है। इसमें जो 1500 स्क्वायर किलोमीटर का रीजन होगा, एरिया होगा, उसे कोर एरिया डेजिग्नेट कर दिया जाएगा, जबकि बाकी का जो 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होगा दैट विल बी बफर जोन। कोर एरिया किसी भी टाइगर रिजर्व का वो एरिया होता है जहां पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती, वहां पर मॉनिटरिंग के अलावा और कुछ भी नहीं किया जा सकता। जबकि बफर जोन में कुछ एक ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती हैं, जैसे कि एजुकेशन और ट्रेनिंग के सेंटर स्टैब्लिश किए जा सकते हैं, रिसर्च स्टेशंस या फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च साइट्स भी स्टैब्लिश की जा सकती हैं, और टूरिस्ट भी वहां पर घूमने के लिए जा सकते हैं। तो ये तो अंतर हुआ कोर एरिया और बफर जोन में। ये जो डिक्लेरेशन किया गया है सेंचुरी को, जो टाइगर रिजर्व बनाया गया है, इससे टाइगर्स के कंजर्वेशन में मदद मिलेगी। जो वो प्रॉब्लम काफ़ी लंबे समय से फेस कर रहे थे इलीगल माइनिंग और पोचिंग की, उस समस्या में थोड़ी सी कमी आएगी, बेहतरी होगी। तो ये बातें हमने रतापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में की। अगला आर्टिकल एनवायरमेंटल हार्मोन्स के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि रिसर्चर्स ने अभी एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस को डेवलप किया है। क्या डेवलप किया गया है? एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। ये प्रोसेस कैसा होगा? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक कॉमन एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके जो इंडस्ट्रियल पोल्यूटेड वाटर होता है, पानी होता है, उसमें एक साथ पोल्यूटेंट्स और एनवायरमेंटल हार्मोन्स को निकाल दिया जाएगा। फिर से रिपीट करता हूं, एक ऐसा प्रोसेस डेवलप किया गया है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का, जिसमें एक कॉमन एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके एक साथ पॉल्यूटेंट्स और एनवायरमेंटल हार्मोन्स को निकाल दिया जाएगा। एनवायरमेंटल हार्मोन्स को इंडोक्राइन डिसरप्टर के नाम से भी जाना जाता है। अब एक्चुअली में प्रोसेस में हुआ यह है कि उन्होंने राइस के स्ट्रॉ की जो भूसी होती है,
जो चावल का पौधा होता है उससे जो भूसी निकलती है उससे वो एक बायो कार डेवलप करेंगे, जो कि आप एक चारकोल की तरह, जो सूखा चारकोल होता है वैसा ही एक प्रोडक्ट होगा, और उसका इस्तेमाल वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में किया जाएगा, जिसके जरिए ना केवल पोल्यूटेंट्स को अलग किया जाएगा बल्कि इन्वायरमेंटल हार्मोन्स को भी अलग कर दिया जाएगा। इन्वायरमेंटल हार्मोन्स को इंडोक्राइन डिसरप्टर क्यों कहते हैं? इंडोक्राइन डिसरप्टर क्यों कहते हैं ये समझने के लिए आपको किसी भी ह्यूमन बॉडी का इंडोक्राइन सिस्टम समझना होगा। इंडोक्राइन सिस्टम जो बॉडी के अंदर होता है वो एक्चुअली में सेट ऑफ ग्लैंड्स का एक मैकेनिज्म होता है। हमारी बॉडी में कई सारे ग्लैंड्स हैं, जैसे कि पिनियल ग्लैंड, हाइपोथैलमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड, पैंक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड। ये ग्लैंड्स कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं और ये हार्मोन्स बॉडी के वेरियस पार्ट्स में जाकर मैसेजेस कन्वे करते हैं। अगर कोई ऐसा सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंट्री करे जो कि किसी बॉडी पार्ट को इन ग्लैंड्स के द्वारा निकले गए हार्मोन्स जैसा ही दिखे, तो वो उन ग्लैंड्स का मैसेज समझ लेंगे, जिससे आपके बॉडी का जो सिस्टम है वो डिसरप्ट हो सकता है, ग्रोथ डिसरप्ट हो सकती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसरप्ट हो सकता है। तो अगर कोई ऐसा हार्मोन जो हमारी बॉडी में एंट्री करने के बाद बिल्कुल वैसा ही लगता है वेरियस बॉडी पार्ट्स को जैसे हार्मोन्स ये ग्लैंड्स निकाला करते हैं, तो वो हमारे बॉडी पार्ट को डिसरप्ट कर देता है, ऐसे हार्मोन्स को इंडोक्राइन डिसरप्टर कहा जाता है। होपफुली आप ये बात तो समझ ही गए होंगे। अब देखिए, जो इन्वायरमेंटल हार्मोन्स होते हैं उन्हें इसीलिए इंडोक्राइन डिसरप्टर कहा जाता है बिकॉज जब वो बॉडी में एंट्री करते हैं बाई एनी मीन्स, तो वो ऐसा लगता है बॉडी के पार्ट्स को, ये मतलब ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो इंडोक्राइन हार्मोन्स की तरह रिसेंबल होते हैं, मतलब दिखते हैं, जिससे बॉडी को गलत मैसेज मिल जाता है और कई तरीके की बीमारियां या नुकसान होने का खतरा होता है। ये या तो नेचुरल ओरिजिन के हो सकते हैं जिन्हें फाइटो एस्ट्रोजेंस कहा जाता है जो पौधों से निकलते हैं, या फिर सिंथेटिक ओरिजिन से हो सकते हैं। सिंथेटिक ओरिजिन का मतलब होता है जब किसी प्रोडक्ट को वेरियस केमिकल कंपाउंड के सिंथेसिस से तैयार किया जाता है तो उसे सिंथेटिक प्रोडक्ट कहा जाता है। तो मतलब ये सिंथेटिक ओरिजिन के प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, हॉर्मोन्स भी हो सकते हैं, या फिर नेचुरल ओरिजिन के भी हो सकते हैं। ये बेसिक बात हम समझ रहे थे। तो देखिए, जो सीवेज या वेस्ट वाटर होता है जो कि निश्चित तौर पे इंडस्ट्रियल वर्क साइट से निकलता ही निकलता है, उसमें बहुत बड़ी क्वांटिटी में पोल्यूटेंट्स होते हैं या फिर इन्वायरमेंटल हार्मोन्स होते हैं जो हमारे बॉडी पार्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। चूंकि जो इन्वायरमेंटल हार्मोन्स होते हैं वो बहुत आसानी से टूटते नहीं हैं, तो वो काफ़ी निगेटिव इफेक्ट हमारी बॉडी को पहुंचाते हैं, ह्यूमन बॉडी को पहुंचाते हैं। ये कंपाउंड्स इंडोक्राइन रिसेप्टर्स में जाके एक्टिवेट हो जाते हैं। ऐसे बॉडी पार्ट्स जो वेरियस ग्लैंड्स के द्वारा निकाले गए मैसेजेस को रिसेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं और उसके हिसाब से फंक्शन करते हैं। जब ऐसे इन्वायरमेंटल हार्मोन्स बॉडी में एंट्री करते हैं तो वो उसे मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो वही मैसेजेस हैं जो उन ग्लैंड्स के द्वारा भेजे गए हैं, और फिर वो गलत तरीके से बिहेव करने लगते हैं। तो जो उनके नेचुरल काउंटर पार्ट्स हैं वो बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखते हैं लेकिन उनका फंक्शन वो नहीं होता, तो ये हार्मोनल एक्टिविटी को डिसरप्ट कर देते हैं। अब किया क्या गया है, ये बात जो मैंने आपको पहले बताई है वही बताता हूँ। रिसेंट डेवलपमेंट में टीम ने एक्चुअली में राइस होल्स या फिर जो धान की भूसी होती है उसका इस्तेमाल करके, जो कि किसी भी राइस हार्वेस्टिंग के दौरान जला दिया जाता है, जब उसको डिस्कार्ड किया जाता है तब, तो इसके जरिए एक बहुत ही इको फ्रेंडली और इकोनॉमिक बायोकार तैयार किया जाएगा जो ब्लैक चारकोल जैसा प्रोडक्ट होगा। जो बायोकार है वो एक ऐसा टर्म है जो कलेक्टिवली इस चीज़ को रेफर करता है जब किसी प्रोड्यूस को थर्मल डीकम्पोजिशन के दौरान पाया जाता है। थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब होता है जला के उसको प्राप्त किया जाता है, किसी भी तरीके के बायोमास जैसे कि वुड या फिर जो वेरियस क्रॉप के प्रोडक्ट्स होते हैं उनके द्वारा प्राप्त किया जाता है लिमिटेड ऑक्सीजन कंडीशन में, तो उसे बायोकार कहा जाता है। तो जो सरफेस होगा बायोकार का उसे कोट किया जाएगा नैनो साइज्ड मैगनीज डाइऑक्साइड के द्वारा। ध्यान दीजिएगा कि केवल धान की भूसी का बायोकार विल नॉट वर्क, इस बायोकार के ऊपर नैनो साइज्ड मैगनीज डाइऑक्साइड की कोटिंग की जाएगी जो कि एक नैनो कंपोजिट तैयार कर देगा। उसके बाद इनकी इफिशियंसी बहुत बढ़ जाएगी पोल्यूटेंट्स को कर्व करने में और इन्वायरमेंटल हार्मोन्स को घटाने में। 96% की इफिशियंसी अभी साइट की गई है, देखी गई है। चूंकि ये काफ़ी सस्ता है, इसके पहले के जो भी मैकेनिज्म थे जिसके जरिए
पोल्यूटेंट्स को अलग किया जाता था या फिर इन्वायरमेंटल हार्मोन्स को अलग किया जाता था, वो काफ़ी खर्चीले मेथड्स थे। लेकिन ये काफ़ी सस्ता है, चूंकि धान की भूसी से आप बायोकार तैयार कर रहे हैं और फिर उसमें आप कोटिंग कर देते हैं नैनोसाइज मैग्नीज डाइऑक्साइड की, तो बहुत महंगा प्रोसीजर नहीं है जिसका इस्तेमाल करके इन्वायरमेंटल हार्मोन्स को कर्ब किया जा सकेगा। अगला आर्टिकल प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने अभी इन्फॉर्म किया प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के बारे में राज्यसभा में। सरकार के कई और इनिशिएटिव्स का भी नाम लिया गया जिनका इस्तेमाल करके डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो क्रूड ऑयल का है या नेचुरल गैस का है उसको एनहेंस करने का प्रयास किया जा रहा है। एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी हेल्प, जिसे बाद में नेल्प में कन्वर्ट कर दिया गया न्यू एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी में, पॉलिसी फॉर अर्ली मोनेटाइजेशन ऑफ कोल बेड मीथेन, नेशनल डेटा रिपोजिटरी की सेटिंग की भी बात वहाँ पर की गई। नेशनल डेटा रिपोजिटरी में एक्चुअली में इंडिया में कौन सी माइंस कहाँ पर है उनका जो पूरी इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे मिल जाएगी। पॉलिसी फॉर एक्सटेंशन ऑफ प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लोइटेशन ऑफ अनकन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन्स, रीअसेसमेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज, इन सभी इनिशिएटिव्स के बारे में राज्यसभा में चर्चा की गई। जो पाइपलाइन है वो कवर करेगी उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और आसाम को। ये आर्टिकल था प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के बारे में। तो अगला आर्टिकल घड़ियाल के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि उड़ीसा की सरकार ने एक बार फिर से एफर्ट स्टार्ट कर दिए हैं कि घड़ियाल की पॉपुलेशन को रिवाइव किया जाए उनके नेचुरल हैबिटेट में। इसके लिए 5 रेप्टाइल्स को यानी कि घड़ियाल्स को रिलीज किया गया है, जिनमें एक रेडियो ट्रांसमीटर भी फिट किया गया है। इन्हें रिलीज कहाँ किया गया है? इन्हें रिलीज किया गया है महानदी के सतकोशिया गॉर्ज में। गॉर्ज एक ऐसा डिप्रेशन होता है जिसके दोनों ओर स्टीप वॉल्स होती हैं, एकदम खड़ी दीवारें होती हैं, पहाड़ों को काट कर यूजुअली ये नदियां गॉर्ज बना लेती हैं जहां से वो फ्लो करती हैं। तो वहां पर इन घड़ियालों को छोड़ दिया गया है। ये सदर्न मोस्ट लिमिट है घड़ियाल्स की जहां पर वो रहते हैं। साइंटिफिक नेम क्या है घड़ियाल का? घड़ियाल का साइंटिफिक नेम है गवियालिस गैंगेटिको। फीचर्स क्या होते हैं? अगर आप एलिगेटर्स से कंपेयर करें या फिर क्रोकोडाइल से कंपेयर करें, यू विल फाइंड कि जो घड़ियाल का आगे का मुंह होता है या आप उसे थूथुन कहते हैं, इंग्लिश में इसे स्नाउट कहा जाता है, तो जो स्नाउट होता है वो काफ़ी पतला होता है। आप इसे इमेज में भी यहाँ पर देख सकते हैं। एक्चुअली में स्नाउट मुंह का आगे का हिस्सा होता है। हैबिटेट इनका फ्रेश वाटर होता है। फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल भी इन्हें इसीलिए कहा जाता है, इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, बिकॉज इनका हैबिटेट फ्रेश वाटर होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये डीप और फास्ट फ्लोइंग रिवर्स में रहते हैं। मतलब यूजुअली आपके मन में ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि बहुत तेज़ी से बहते हुए पानी में क्रोकोडाइल्स कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे रहेंगे, तो ये काफ़ी गहराई में चले जाते हैं और गहराई में जो पानी का मूवमेंट होता है वो काफ़ी स्लो होता है। अगर होता भी है तो बहुत तेज महसूस नहीं होता, तो वहाँ पर ये आराम से रह लेते हैं। मतलब कुल मिला के ये फ्रेश वाटर में रहते हैं और डीप फास्ट फ्लोइंग रिवर्स में रहते हैं। ये बात तो आपको अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। अगर इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि दुनिया भर में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये दुनिया में केवल इंडिया और नेपाल में ही पाए जाते हैं। और इंडिया में भी इनकी पॉपुलेशन या इनकी ब्रीडिंग पॉपुलेशन केवल 2 रिवर्स में ही कन्फाइंड है। पहली है गिरवा। गिरवा नदी जो है ये नेपाल में ओरिजिनेट होती है और कटेरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर गुजरती है। दूसरी नदी है चंबल। चंबल सबसे बड़ी पॉपुलेशन जो घड़ियाल की है वाइल्ड में उसको सपोर्ट करता है। इस पर UPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुकी है कि घड़ियाल की पॉपुलेशन कहाँ पाई जाती है इंडिया में। ऑप्शन में नदी थी चंबल जो कि इसका सही जवाब था। IUCN का कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? कंजर्वेशन स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। आपको याद रखना है, बिकॉज कुछ एक जो एनिमल पॉपुलेशन है या फिर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो जिनका स्टेटस है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वो इंपॉर्टेंट हो भी जाते हैं बिकॉज उनकी संख्या बहुत कम होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो फिर से रिपीट करता हूँ, इनका IUCN कंजर्वेशन स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। सिग्निफिकेंस क्या है? कल्चरल सिग्निफिकेंस की अगर आप बात करें तो ऐसा माना जाता है कि ये माँ गंगा की एक व्हीकल है या फिर वाहन है, और कुछ जगहों पर इन्हें गॉड ऑफ वाटर यानी कि वरुण के वाहन के रूप में भी इनकी पूजा की जाती है। तो घड़ियाल के बारे में कुछ और बातें जो आपको याद रखनी है। 3 स्पीसीज क्रोकोडाइल्स की पाई जाती हैं इंडिया में। पहली है घड़ियाल, जिन्हें आप फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल भी कहते हैं, और दूसरा है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, और तीसरा है मगर क्रोकोडाइल। उड़ीसा एकमात्र ऐसा स्टेट है भारत में जो तीनों स्पीसीज को अपने आप में रखता है, घड़ियाल, मगर और साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। तीनों स्पीसीज केवल एक स्टेट इंडिया का ऐसा है, दैट इज उड़ीसा, जहां पर पाई जाती हैं। ये बात आप जरूर याद रखिएगा। अगला आर्टिकल देखते हैं। तो अगला आर्टिकल क्राइसोमेलॉन स्क्वामीफेरम के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? क्राइसोमेलॉन स्क्वामीफेरम ये पहली ऐसी स्पीसीज बन चुकी है जिसे ऑफिशियली थ्रेटेंड डिक्लेयर किया जा चुका है बिकॉज ऑफ डीप सी माइनिंग। डीप सी माइनिंग क्या होती है? देखिए, डीप सी माइनिंग एक मिनरल रिट्रीवल प्रोसेस है। मिनरल रिट्रीवल प्रोसेस से हमारा मतलब एक ऐसे प्रोसेस से है
जिसमें ओशन फ्लोर से मिनरल्स को निकाला जाता है। अब ओशन फ्लोर से कैसे मिनरल्स को निकाला जाता है, एक्चुअली में ये जो डीप सी माइनिंग होती है इसे पॉली मेटलिक नोड्यूल्स को निकालने के लिए किया जाता है, और इन मिनरल्स को समंदर में 1400 से लेकर 3700 मीटर की गहराई से निकाला जाता है, जिसके लिए प्लांट स्टैब्लिश किए जाते हैं। ये जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स होते हैं इन्हें मैगनीज नोड्यूल्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कंक्रीट के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ये मैगनीज और कई अन्य मेटल से बने होते हैं जो कि समंदर की तली में बिखरे पड़े होते हैं। इनकी बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू होती है, इसके लिए इन्हें समंदर की बहुत गहराई से निकाल लिया जाता है। अब समस्या की बात यह है कि इन्हें जिस जगह से निकाला जाता है वहीं पर ये क्राइसोमेलॉन्स क्वामिफेरम भी रहता है। इन्हें यूजुअली निकाला जाता है जिस हम पॉली मेटेलिक नोड्यूल की बात कर रहे हैं, इन्हें या तो एक्टिव हाइड्रोथर्मल वेंट से निकाला जाता है या फिर एक्सटिंक्ट हाइड्रोथर्मल वेंट से निकाला जाता है। अब देखिए, कई सारी जगहों पर जहां पर ओशियन प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं, जहां पर ओशियन प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, वहां पर एक स्पेस बन जाता है जहां से लावा निकलता है। वो लावा आसपास के पानी को गर्म कर देता है, तो वो जो डिप्रेशन बनता है या जो जगह बनती है उसे हाइड्रोथर्मल वेंट कहा जाता है। अगर लावा निकल रहा है तो उसे एक्टिव हाइड्रोथर्मल वेंट कहा जाता है, अगर लावा निकलना बंद हो चुका है तो उसे एक्सटिंक्ट हाइड्रोथर्मल वेंट कहा जाता है। वहीं से ये नोड्यूल्स निकाले जाते हैं, वहीं पर ये स्पीसीज भी रहती है। तो डीप सी माइनिंग की वजह से इस स्पीसीज के ख़त्म होने का खतरा बढ़ रहा है, इनकी संख्या में कमी आ रही है। ये एक स्केली फूट स्नेल है, एक ऐसा स्नेल जिसका जो नीचे का हिस्सा होता है वो परतदार होता है, आप उसे इमेज में भी देख सकते हैं, और ये इंडियन ओशियन में केवल 3 जगहों पर पाया जाता है। और ये जो 3 हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं वो इंडियन ओशियन में मेडागास्कर के ईस्ट में हैं। मेडागास्कर के ईस्ट में होने का मतलब ये है कि इंडिया की ओर, ठीक है, उस मतलब नीचे की ओर साउथ में, वहाँ पर ये 3 प्लेसेस हैं जहाँ पर ये जीव पाया जाता है। इसे IUCN की यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की लिस्ट में या रेड लिस्ट में इंडेंजर स्पीसीज में डिक्लेयर किया जा चुका है, जगह दी जा चुकी है 18 जुलाई 2019 के बाद से। अगला आर्टिकल देखते हैं, ये रूफ टॉप सोलर कैपेसिटी के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट यह है कि गुजरात की सरकार अभी एक ऐसे राज्य के रूप में इमर्ज हो चुकी है जहां पर सबसे ज़्यादा रूफ टॉप सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया गया है। रूफ टॉप सोलर पैनल का मतलब ये होता है कि छत के ऊपर जो सोलर पैनल इंस्टॉल किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाने के लिए किसी भी घर को, उसे रूफ टॉप सोलर पैनल कहा जाता है। तो देखिए, गुजरात की सरकार ने 261 मेगावाट सोलर पावर कैपेसिटी को रूफ टॉप इंस्टॉलेशन के जरिए अचीव किया है, और अगर आप इसे इंडिया के टोटल कैपेसिटी के साथ कंपेयर करें दैट इज 1700 मेगावाट, तो ये एक बहुत बड़ा शेयर है। गुजरात के बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, जहां पर 198 मेगावाट रूफ टॉप सोलर पावर कैपेसिटी को डेवलप किया गया है, इंस्टॉल किया गया है। और फिर नंबर आता है तमिलनाडु का, जहां पर 151 मेगावाट की कैपेसिटी को अटेन किया गया है इंस्टॉल्ड रूफ टॉप कैपेसिटी के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम के तहत यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करवा रही है। जो असिस्टेंस 2016-17 में 678 करोड़ का था, जबकि ये असिस्टेंस 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर में 446.7 करोड़ का था। इस प्रोग्राम को इंडिया में SBI के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसमें उन्हें वर्ल्ड बैंक ग्रुप का असिस्टेंस भी मिल रहा है। यूनियन गवर्नमेंट ने एम ये किया है कि जो इंस्टॉल्ड रूफटॉप सोलर कैपेबिलिटी है उसे 40,000 मेगावाट तक लेकर जाना है 2022 तक। अगला आर्टिकल ड्रेसिना कंबोडियाना के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट यह है कि रिसर्चर्स ने अभी ड्रेसिना कंबोडियाना नाम के एक ड्रैगन ट्री स्पीसीज को आसाम में डिस्कवर किया है। तो ड्रैगन ट्री क्या होते हैं? ड्रैगन ट्री एक बहुत ही रेयर स्पीसीज है ट्री की, जिसे काटने पर रेड रेजिन निकलता है। रेजिन एक गाढ़ा विस्कस पदार्थ होता है जो कि पौधे से निकलता है। इसे आप इमेज में भी देख सकते हैं, इस पौधे को जब काटा गया है तो जो रेड लिक्विड निकलता हुआ आपको दिख रहा है ये रेजिन है। ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने के बाद ज़्यादा चमकदार हो जाता है। इसके कई तरीके के उपयोग होते हैं और इसकी वजह से इन पौधों को बहुत बड़ी संख्या में काट दिया जाता है। रिसर्चर्स ने अभी ड्रेसिना कंबोडियाना की स्पीसीज का एक ड्रैगन ट्री खोजा है। इसे कहाँ पाया गया है? इसे पाया गया है डोंका सार्पो एरिया में, जो कि वेस्ट कार्बी आंगलोंग में आसाम में सिचुएटेड है। ये प्लांट ड्रैगन ब्लड निकालता है। ड्रैगन ब्लड सामान्य भाषा में कहा जाता है कि ये ड्रैगन का खून है लाल रंग का,
बट आप इसे रेड रेजिन भी बोल सकते हैं। ये ब्राइट रेड कलर का होता है जिसके कई सारे इस्तेमाल बहुत ही प्राचीन समय से किए जा रहे हैं। बहुत ही पहले से इसका इस्तेमाल मेडिसिन में किया जाता है, बॉडी ऑयल की तरह किया जाता है, किसी भी प्रोड्यूस की चमक के लिए किया जाता है, सुगंध के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और रेड कलर के डाई के लिए भी किया जाता है। जो ये सैप है या फिर रेजिन है, ये जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। देखिए, ऐसा पहली बार हुआ है जब ड्रैगन ट्री की किसी स्पीसीज को इंडिया में रिपोर्ट किया गया है। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था एक जर्नल में, बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सास के द्वारा। तो देखिए, भारत में ड्रेसिना जीनस के जो पौधे हैं वो एस्पिरा जेसिया फैमिली से बिलोंग करते हैं। ड्रेसिना जीनस यानी कि ड्रेसिना जाति के जो पौधे हैं उनमें 9 स्पीसीज और 2 वराइटीज भारत के हिमालयन रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ऑलरेडी पाए जाते हैं। ड्रेसिना जीनस या ड्रेसिना प्रजाति के कई सारे पौधे भारत में पाए जाते हैं, लेकिन ड्रेसिना कंबोडियाना ड्रेसिना जीएनएस की एक स्पीसीज है जो कि एकमात्र ट्रू ड्रैगन स्पीसीज है जो भारत में पाई गई है। ड्रेसिना जीनस के कई सारे पौधे भारत में पाए जाते हैं, लेकिन ट्रू ड्रैगन ट्री की स्पीसीज जो है ड्रेसिना कंबोडियाना, दैट इज द ओनली ट्रू ड्रैगन ट्री जो भारत में पाया गया है, जो रेडिस रेजिन को निकालता है। हाल के समय में काफी ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया गया है इस ड्रैगन्स ब्लड या रेडिस रेजिन की इंक्रीजिंग डिमांड की वजह से। इस पौधे में से जो रेडिस रेजिन निकलता है, जिसे सामान्य भाषा में ड्रैगन्स ब्लड भी कहा जाता है, उसकी मांग की वजह से इन पेड़ों को बड़ी संख्या में काटा गया है। यही कारण है कि चाइना ने अपनी इन्वेंटरी में इस पौधे को रेयर एंड इंडेंजर्ड प्लांट की कैटेगरी में रखा है। देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल प्रहतुल्ला एंटीक के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट यह है कि रिसर्चर्स ने अभी हाल ही में एक वाइन स्नेक की स्पीसीज को खोजा है, डिस्कवर किया है। कहाँ खोजा है? वेस्टर्न घाट में खोजा है। नाम क्या दिया गया? नाम दिया गया प्रहतुल्ला एंटीक। ये माना जा रहा है कि स्पीसीज 26 मिलियन ईयर्स पुरानी है। वेस्टर्न घाट आपको याद रखना है। कई बार यूपीएससी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लेती है, प्रहतुल्ला एंटीक समटाइम्स सीन इन न्यूज हैज बीन डिस्कवर्ड इन वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, अंडमान एंड निकोबार, वेस्टर्न हिमालयास। अब आपको सही जवाब चुनना होगा, याद रहेगा तो आसानी हो जाएगी। तो कुछ बातें प्रहतुल्ला एंटीक के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो इन्हें वाइन स्नेक क्यों कहा जाता है? देखिए, वाइन का मतलब होता है पेड़ की लता या फिर पतली सी डाली। चूंकि ये सांप बहुत पतला होता है और इनका कलर भी यूजुअली या तो हरा होता है या फिर सूखी डाली जैसा होता है, तो दूर से देखने में कई बार ऐसा भ्रम हो जाता है कि ये सांप नहीं है बल्कि पेड़ की कोई लता है, वाइन है। दैट्स वाई इन्हें वाइन स्नेक कहा जाता है। इसी छलावे का सहारा लेकर ये सांप शिकार भी किया करता है। ये सांप यूजुअली शिकार करता है मेढक और छिपकली का। चूंकि ये बहुत फुर्तीला नहीं होता तो ये किसी पेड़ की डाली को लपेट कर बैठ जाता है। ये जीव समझ नहीं पाते कि कोई खतरनाक प्राणी है, जीव है जो हमला कर सकता है। वो नज़दीक में जाते हैं तो ये हमला करके शिकार कर लेता है। ये स्पीसीज एंडेमिक है सदर्न वेस्टर्न घाट की। एंडेमिक होने का मतलब है कि ये सिर्फ वहीं पाई जाती है, कहीं और नहीं पाई जाती। इसे कील्ड वाइन स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। प्रहतुल्ला एंटीक की पार्टिकुलरली 4 स्पीसीज कॉमनली इंडिया में पाई जाती हैं, जिनमें से अभी एक स्पीसीज हाल ही में इसकी खोजी गई थी उड़ीसा में सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ रिजर्व में। उसको नाम दिया गया था एहतुल्ला लॉडेंकिया वाइन स्नेक। लॉडेंकिया एक्चुअली में मतलब इसका सिन्हला भाषा में होता है आई प्लकर। ये सांप यूजुअली जब पकड़ा जाता है तो आंखों पर हमला करता है, कई बार ये व्यक्ति को अंधा भी कर देता है। और जब ये एहतुल्ला लॉडेंकिया प्रजाति को खोजा गया था तो ये खोज वाइन स्नेक के किसी प्रजाति की 113 साल बाद खोज थी। उसके बाद ये दूसरी प्रजाति है जो मिली है। तो चूंकि ये वाइन स्नेक कई बार न्यूज में है तो आप इसके बारे में जरूर जानते रहिए। अगला आर्टिकल मरीन पोल्यूशन के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर फॉर शिपिंग एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर के द्वारा अभी लोकसभा को इन्फॉर्म किया गया कि सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं मरीन पोल्यूशन को चेक करने के लिए, यानी कि रोकने के लिए। देखिए, इंडिया मारपोल का सिग्नेटरी है। मारपोल में मार इंडिकेट करता है मरीन को और पोल इंडिकेट करता है पोल्यूशन को। एक्चुअली में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ मरीन पोल्यूशन को मारपोल प्रोटोकॉल के तहत थोड़े अमेंडमेंट के साथ इंप्लीमेंट इस तरीके से किया गया है ताकि मरीन पोल्यूशन को रोका जा सके। प्रिवेंशन ऑफ मरीन पोल्यूशन को मर्चेंट शिपिंग रूल्स 2009 के तहत भी रोकने का प्रयास किया जाता है, जिसे मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के तहत बनाया गया था। मतलब इसमें भी प्रावधान किया गया है कि मरीन पोल्यूशन को हम कैसे रोकेंगे। समंदर में जो कचरा फेंक दिया जाता है वेरियस सोर्सेज से, वो इकट्ठा हो जाता है, वो काफ़ी नुकसान पहुंचाता है मरीन इकोसिस्टम को। उसके रोकने के लिए कई सारे प्रावधान किए गए हैं। मई 2019 में एक स्टेयरिंग कमेटी का निर्माण किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा मरीन प्लास्टिक लिटरिंग को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि मरीन एरियाज में समंदर में जो प्लास्टिक का कचरा फेंका जाता है उसे कंट्रोल करने के लिए। इसमें सभी कंसर्न मिनिस्ट्रीज के स्टेक होल्डर्स थे। जनवरी 2019 में भारत और नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने भी
एक MOU साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया कि इंडिया और नॉर्वे मिलकर मरीन पोल्यूशन को रोकने का प्रयास करेंगे। ये MOU तब साइन किया गया था जब नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर जनवरी में इंडिया के विजिट पर थे। मारपोल, देखिए इंडिया 1978 से ही मारपोल का सिग्नेटरी है और एंथुसियास्टिक इंप्लीमेंटर भी है, बहुत अच्छी तरीके से इसे इंप्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। मारपोल इंडिकेट करता है मरीन पोल्यूशन को, 73/78 इंडिकेट करता है 1973 से 1978 के बीच के पीरियड को। ये इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स के अंतर्गत आता है। ये एम करता है शिप से निकलने वाले पोल्यूशन को रोकने में, चाहे वो एक्सीडेंटल पोल्यूशन हो या फिर रूटीन ऑपरेशंस के दौरान जो कचरा फैलाया जाता है उसके बारे में हो। कई बार शिप में से ऑयल का स्पिलेज हो जाता है या फिर किसी अन्य तरीके से कचरा शिप के टूटने की वजह से या उसमें फेंक दिया जाता है, तो एक्सीडेंट की वजह से हो या फिर रूटीन ऑपरेशन के जरिए अगर कोई पोल्यूशन फैलता है तो उसे मारपोल के तहत रोकने का प्रयास किया जाता है। अगला आर्टिकल देखते हैं, अगला आर्टिकल स्पीसीज एक्सटिंक्शन के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी एक डेटा टेबल किया गया लोकसभा में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा, जहां पर उन्होंने ये बताया कि 4 स्पीसीज फौना की यानी कि जानवरों की, जीवों की, और 18 स्पीसीज फ्लोरा की यानी कि पेड़ पौधों की एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं इंडिया से पिछली कुछ शताब्दियों में। तो कौन सा फौना एक्सटिंक्ट हुआ है? फौना यानी कि जानवर। अगर आप मैमल्स की बात करें तो 4 मैमल्स का जिक्र यहां पे किया गया है जो इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। पहला है चीता, दूसरा सुमात्रन राइनोसर्स, तीसरा पिंक हेडेड डक, और चौथा हिमालयन क्वेल। क्वेल एक तरीके का पक्षी होता है जो हिमालयन रीजन में पाया जाता था, अब नहीं पाया जाता है। बाकी ये जो चारों एनिमल्स हैं या फिर जीव हैं ये दुनिया के अन्य हिस्सों में अभी भी पाए जाते हैं। इनके एक्सटिंक्शन में कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहे। कुछ तो नेचुरल फैक्टर्स रहे लाइक कॉम्पिटिशन, जानवरों के बीच में आपस में कॉम्पिटिशन होता है रिसोर्सेज को लेकर, वो उसमें कम्पीट नहीं कर पाए। प्रीडेशन, एक जानवर दूसरे का शिकार करता है उसमें भी कुछ प्रजातियां खत्म होती हैं। नेचुरल सिलेक्शन, परिस्थितियों के हिसाब से जो जीव होते हैं वो खुद में बदलाव करते हैं, ये जीव खुद में बदलाव नहीं कर पाए। और कुछ ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर्स भी रहे जैसे कि इनको हंट किया गया, इनका शिकार किया गया, इनके हैबिटेट को डिग्रेड कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, एंड दीज वर द इंपॉर्टेंट रीजन जिनकी वजह से ये स्पीसीज एक्सटिंक्ट कर गई। इंडिया में दुनिया का 6.49% फौना की स्पीसीज पाई जाती हैं, ठीक है। अब फ्लोरा एक्सटिंक्शन की बात करते हैं, पेड़ पौधों के एक्सटिंक्शन की बात करते हैं। 18 स्पीसीज प्लांट्स की एक्सटिंक्ट हुई हैं जिनमें 4 नॉन फ्लावरिंग थे और 14 फ्लावरिंग थे। देखिए नोटेबल इनमें से कौन से हैं? लेस्ट्रोप्सिस वॉटी, ये एक पौधा था जो एक्सटिंक्ट हुआ है। मणिपुर में एक फर्न था, मतलब एक बहुत ही गहरी पत्तियों का पौधा हुआ करता था जिसे जॉर्ज वॉट ने 1882 में खोजा था, वो भी एक्सटिंक्ट कर गया है। और 3 स्पीसीज हैं जो कि जीनस ओपीराइजा से बिलोंग करती हैं, वो भी एक्सटिंक कर गई हैं। इन सभी को डिस्कवर किया गया था पेनिनसुलर इंडिया में। कोराइफा टेलियरा रॉक्स, ये एक पाम की स्पीसीज थी जिसको म्यांमार में डिस्कवर किया गया था, ये बंगाल के कुछ रीजन्स में भी पाई जाती थी। विलियम रॉक्सबर्ग ने इसे खोजा था, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। इंडिया दुनिया के 11.5% फ्लोरल स्पीसीज का घर है, लेकिन कब तक अगर इस तरीके से एक्सटिंक्शन होता रहा तो निश्चित तौर पर इंडिया का जो नेचुरल हैबिटेट है वो डिग्रेड होगा। आर्टिकल है वो फर्स्ट बंबू इंडस्ट्रियल पार्क के बारे में है जिसे आसाम में तैयार किया जाएगा। कॉन्टेक्स्ट क्या है? मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उन्होंने अभी मीटिंग की थी मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अदर ऑफिशियल्स के साथ और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के मेंबर्स के साथ। ये रिव्यू मीटिंग इसलिए थी बिकॉज जब ये नई सरकार आई है तो उन्होंने 100 दिन का टारगेट दिया था कि 100 दिन में आपको क्या क्या काम करना है वो आप डिसाइड कर लीजिए और उसकी रिपोर्ट सौंपनी पड़ेगी हर मिनिस्ट्री को। तो इसी 100 दिन की रिपोर्ट को रिव्यू करने के लिए इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ पर जो मेंबर्स थे मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के जो मेंबर्स थे उन्होंने मिनिस्टर्स को अपनी सारी रिपोर्ट सौंपी कि उन्होंने क्या क्या काम किया है, 100 दिनों में कौन से प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं। उसी दौरान मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के द्वारा इन्फॉर्म किया गया कि फर्स्ट बंबू इंडस्ट्रियल पार्क को आसाम के डीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा, और इसके लिए लगभग 75 हेक्टेयर्स का एरिया स्पेसिफाई किया गया है। जो टारगेट है इस बंबू इंडस्ट्रियल पार्क को कंप्लीट करने का वो है मार्च 2021 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। जो मिनिस्टर थे उन्होंने ये भी इन्फॉर्म किया कि जो प्रोजेक्ट है बंबू पार्क का वो आसाम के इतर अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में भी प्लान किया जा रहा है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के द्वारा। ये काम नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के द्वारा किया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को एस्टैब्लिश किया गया था नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971 के तहत। ये एक एपेक्स लेवल बॉडी है जिसको काम ये दिया गया है कि ये जो वेरियस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके बीच में एक बैलेंस सिक्योर करें,
एक ऐसा कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट इंश्योर करने का प्रयास करें जो पूरे रीजन को फायदा पहुंचाए। उसके बाद इस एक्ट में अमेंडमेंट भी किया गया था 2002 में, और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को कुछ ऐसे मैंडेट दे दिए गए कि वो इस पूरे रीजन की प्लानिंग, जो रीजनल प्लानिंग है, उसमें भी अपना एक की रोल प्ले करेंगे, वो रीजनल प्लान्स को डेवलप करेंगे। हालांकि उन्हें यह भी कहा गया था कि वो ऐसे प्लान्स और स्कीम्स या प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी दें जिनको, जिन प्लान्स में एक से ज़्यादा स्टेट्स को फ़ायदा मिलेगा। सिक्किम के संबंध में एक स्पेसिफिक क्लॉज रखा गया था कि सिक्किम के बारे में काउंसिल एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, स्कीम या प्लान डेवलप कर सकती है जो केवल सिक्किम के लिए फ़ायदेमंद हो। बाकी चूंकि ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए है, तो जब भी वो किसी प्लान या पॉलिसी को तैयार करें तो कोशिश करें कि एक से ज़्यादा स्टेट्स को उसका फ़ायदा मिले, मतलब पूरे रीजन को उसका फ़ायदा मिले। तो देखिए, 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ डोनर ने, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने, यूनियन कैबिनेट के सामने एक प्रपोजल रखा था। प्रपोजल में ये कहा गया था कि जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं उन्हें नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन डिक्लेयर किया जाए। इस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लिया गया। प्रपोजल ये भी रखा गया था कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के, उन्हें वाइस चेयरमैन डिक्लेयर कर दिया जाए इस काउंसिल में, और वो प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लिया गया था। जो सभी गवर्नर्स होते हैं या फिर चीफ मिनिस्टर्स होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, वो इस काउंसिल के मेंबर होते हैं। अगला आर्टिकल वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन के बारे में है। 30% राइज देखने को मिली है टाइगर पॉपुलेशन में, जो कि अच्छी खबर है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी एक 4 ईयरली रिपोर्ट को रिलीज किया है, पब्लिश किया है, जो कि ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन को खुद में समेटता था, और उसमें यह बताया गया कि हाँ, टाइगर की पॉपुलेशन में क्या इन्हेंसमेंट हुई है, क्या इंक्रीज हुई है। और इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है वर्ल्ड टाइगर डे के दिन। देखिए, जो इंक्रीज टाइगर की पॉपुलेशन में इंडिया में देखी गई है वो 33% की है। बहुत अच्छी इंक्रीज है, 1/3 की इंक्रीज एक बड़ी इंक्रीज मानी जाएगी कंपैरिजन टू 2014। 2014 में जो पॉपुलेशन थी टाइगर की, उसके कंपैरिजन में 33% की इंक्रीज हमने देखी है। और अभी जो इंडिया में टाइगर पॉपुलेशन काउंट की गई है, दैट इज 2,967, मतलब कि हम नियरली 3,000 पहुंचने वाले हैं टाइगर की पॉपुलेशन में। अभी टाइगर की पॉपुलेशन कैसे बढ़ी है अगर आप वो देखना चाहें, तो इंडिया के पास 2006 में महज 1400 टाइगर्स हुआ करते थे। 2010 में इनकी संख्या बढ़कर 1700 हुई, 2014 में इनकी संख्या बढ़ के 2200 हुई, और अब इनकी संख्या लगभग 3000 हो चुकी है। तो अच्छी खबर है, धीरे धीरे हमने काफ़ी अच्छी ग्रोथ अवेल की है 2014 के बाद से। इंडिया देखिए 12 उन देशों में आता है जहां पर टाइगर्स पाए जाते हैं, जिन्हें टाइगर रेंज कंट्रीज कहा जाता है। ये सभी कंट्रीज कमिटेड हैं कि 2022 तक उनके यहां जो भी टाइगर की पॉपुलेशन है वो उसे डबल करेंगे। इंडिया ने इस दिशा में काफ़ी अच्छा काम किया है। मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छी टाइगर इंक्रीज देखने को मिली है, जहां पर 2014 में महज 308 टाइगर्स हुआ करते थे, अब वहां पर 526 टाइगर्स हैं। कर्नाटका ने भी अच्छा काम किया है, वहां पर अब 524 टाइगर्स हैं। दो स्टेट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं, दैट इज़ कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश। हालांकि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। इनफैक्ट जो छत्तीसगढ़ में टाइगर की पॉपुलेशन है वो तेज़ी से गिरी है, वहां पर 46 टाइगर्स थे जो घट के 19 पे आ चुके हैं, जबकि उड़ीसा में टाइगर्स की पॉपुलेशन महज 28 है। तो ये तो टाइगर्स का एस्टिमेशन यहाँ पे हम देख रहे थे। इंडिया देखिए लगभग 75% टाइगर पॉपुलेशन कवर करता है, जो कि दुनिया में किसी भी देश में सबसे ज्यादा है। तो अगला आर्टिकल अर्थ ओवरशूट डे के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि इस साल का जो अर्थ ओवरशूट डे है उसे 29 जुलाई 2019 डिक्लेयर किया गया। अब इस अर्थ ओवरशूट डे का मतलब क्या होता है, आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, जिन भी गुड्स एंड सर्विसेज का इस्तेमाल या रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम अर्थ के करते हैं, अर्थ उसे रीजेनरेट कर लेती है। जैसे कि आप एक पेड़ काट देते हैं, अर्थ दोबारा एक पेड़ उगा देती है। आप मछलियों को पकड़ के मार देते हैं, उसका इस्तेमाल भोजन के तौर पर कर लेते हैं, छोटी मछलियाँ दोबारा बड़ी हो जाती हैं। मतलब अर्थ अपने रिसोर्सेज को रीजेनरेट करती रहती है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। लेकिन अर्थ को अपने रिसोर्सेज को रीजेनरेट करने में टाइम लगता है। अच्छा तो ये होगा कि हम उन रिसोर्सेज को उसी स्पीड से इस्तेमाल करें जिस स्पीड से अर्थ उसे रीजेनरेट कर सकती है। इससे एक बैलेंस एस्टैब्लिश हो जाएगा, मतलब अर्थ रिसोर्सेज को रीजेनरेट करती रहेगी, हम उसका इस्तेमाल करते रहेंगे, अर्थ के रिसोर्सेज डीके नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अर्थ जिस स्पीड से रिसोर्सेज को रीजेनरेट करती है, हम उसकी दोगुनी स्पीड से रिसोर्सेज को खत्म कर दे रहे हैं। इसका इवैल्यूएशन एक साल के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, सपोज करिए अर्थ एक साल में 100 पेड़ों को बड़ा कर सकती है, मस्कुलर कर सकती है, लेकिन हम एक साल में 200 पेड़ों को काट देते हैं। अगर 200 पेड़ों के कटने के क्रम को हम पूरे साल में इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो लगभग जुलाई के महीने तक आते आते
हम 100 पेड़ काट देंगे, वो 100 पेड़ जो अर्थ जेनरेट कर सकती है, और बाकी के आधे साल में भी हम 100 और काटने वाले हैं। अब हुआ ये कि जुलाई के जिस दिन हमने वो 100 पेड़ काट दिए जो अर्थ रीजेनरेट कर सकती है, उसी दिन को अर्थ ओवरशूट डे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मतलब दैट इज द डे जिस दिन हमने अर्थ के द्वारा रीजेनरेशन कैपेबिलिटी को खत्म कर दिया, उसी दिन हमने उसके सारे रिसोर्सेज को खत्म कर दिया जो वो पूरे साल में रीजेनरेट करने वाली है। तो अर्थ ओवरशूट डे का मतलब तो आपको समझ में आ गया। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले कंसीव किया गया था एंड्रयू शिम्स के द्वारा, जो यूके के थिंक टैंक से बिलोंग करते थे, नाम था न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन। उसके बाद ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क ने भी पार्टनरशिप कर ली इस थिंक टैंक के साथ, और उन्होंने 2006 में फॉर द फर्स्ट टाइम ग्लोबल अर्थ ओवरशूट डे कैंपेन लॉन्च किया। उस समय जब इस कैंपेन को लॉन्च किया गया था तो अर्थ ओवरशूट डे अक्टूबर में पड़ा था, मतलब हम साल भर के पूरे रिसोर्स को अक्टूबर में ख़त्म कर रहे थे और अब हम जुलाई में ही खत्म कर रहे हैं। यू कैन सी कि 29th ऑफ जुलाई को हमने पूरे साल के रिसोर्सेज खत्म कर दिए। एक ये भी एस्टिमेट किया जाता है कि 1971 में जो अर्थ ओवरशूट डे हुआ करता था वो दिसंबर में हुआ करता था, मतलब काफ़ी अच्छा बैलेंस हुआ करता था। अर्थ चीज़ों को रीजेनरेट करती रहती थी, हम उसका इस्तेमाल करते रहते थे, लेकिन दिन ब दिन ये बैलेंस खराब होता चला जा रहा है और अर्थ ओवरशूट डे पीछे खिसकता चला जा रहा है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी 2007 के बाद से अर्थ ओवरशूट डे में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है। इसे कंप्यूट किया जाता है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के द्वारा, जहां पर वो प्लैनेट की बायो कैपेसिटी को, मतलब रीजेनरेटिंग कैपेबिलिटी को, जो रिसोर्सेज को रीजेनरेट करती है, उसे पूरे साल में इवेल्युएट कर लेते हैं। और जो ह्यूमैनिटी का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, मतलब कि हम जितने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, हमारी जो पूरे साल की डिमांड है, उससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 365 डेज से, और हमें अर्थ ओवरशूट डे मिल जाता है। एग्जाम्पल हम वही पुराना लेते हैं, आपको और आसानी समझ में आ जाएगा। अर्थ ओवरशूट डे निकालने का फॉर्मूला होता है प्लैनेट की बायो कैपेसिटी, ह्यूमैनिटीज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इससे डिवाइड किया जाता है बायो कैपेसिटी को और मल्टीप्लाई किया जाता है 365 से। एग्जाम्पल के तौर पर जो अर्थ की बायो कैपेसिटी है वो है 100 ट्रीज पूरे साल में रीजेनरेट करने की। इतना आसान नहीं होता, हम आसान भाषा में एग्जाम्पल ले रहे हैं। और साल भर में जो हम पेड़ काटते हैं उनकी संख्या है 200, तो बायो कैपेसिटी है 100 की और जो ह्यूमैनिटी की डिमांड है या फुटप्रिंट है वो है 200 पेड़ों का। आप इनको डिवाइड करके इन्हें 365 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप इसे डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 0.5 या 1/2 आपको मिल जाएगा, और जब आप इसे 368 के साथ डिवाइड करेंगे यू विल गेट 182.5। तो आप 1 जनवरी से जो 182वां दिन है उसी दिन को अर्थ ओवरशूट डे डिक्लेयर कर देंगे। तो ये आर्टिकल हमने अर्थ ओवरशूट डे के बारे में डिस्कस किया। सो नेक्स्ट आर्टिकल है डुगोंग के बारे में। तो देखिए डुगोंग को हमें पढ़ना है, एंड डुगोंग क्या होता है कि आपका एक ये मीडियम साइज्ड मरीन एनिमल होता है, एंड जो इसका IUCN स्टेटस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जनरली जो UPSC है वो जितने भी एनिमल्स हैं या जितने भी मैमल्स एक्सेट्रा है आपके, इन सब का IUCN स्टेटस वो जनरली पूछती है, और ऐसे जो न्यूज़ में है वो तो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो डुगोंग है वो देखिए एक स्पीशी होती है सी काउ की, एंड ये स्ट्रिक्टली हर्बीवोरस है। तो इसको आप, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे याद रखेंगे। तो ये जो देखिए काओ है, काओ आप हम सब जानते हैं वो हर्बीवोरस होती है, तो इसीलिए, और हम जानते हैं कि डुगोंग एक स्पीशीज है सी काओ की, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि ये स्ट्रिक्टली हर्बीवोरस है। फिर उसके बाद देखिए ये पाई जाती है आपके जो इंडियन एंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशंस हैं उनकी वार्म लैटिट्यूड्स में पाई जाती है। इसका रीज़न देखिए यही है कि यहाँ पे जो ये वार्म लैटिट्यूड्स होती हैं यहाँ पे काफ़ी सारी इनॉर्मस वेजिटेशंस मिलती हैं, एंड इसीलिए वहाँ पे आपके ये सारे लोग, ये जो डुगोंग हैं वो मिलते हैं। तो कौन कौन से एरिया हैं आपके ईस्ट अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया तक, फिर इंक्लूडिंग रेड सी, इंडियन ओशन, पैसिफिक, तो इन सारी जगह में ये मिलती हैं। देखिए इनकी काफ़ी बार जो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं लार्ज नंबर्स में मिलते हैं, तो ये इजी टारगेट बन जाते हैं इन कोस्टल हंटर्स का, एंड इनका पोचिंग की जाती है आपके मीट, ऑयल, स्किन, बोन्स, टीथ, इन सब के लिए। इसमें जो इंपॉर्टेंट थिंग है मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि इनका IUCN स्टेटस याद रखिएगा। तो इनका IUCN स्टेटस है वल्नरेबल, ठीक है, डुगोंग इज वल्नरेबल, ये चीज़ ध्यान आप रखिएगा। फिर देखिए जो साइट्स कन्वेंशन है उसके अंडर
जो डुगोंग रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे बोन्स, टीथ, ऑयल, इन सब पे बहुत ज्यादा लिमिटेशन है एंड इसे ऑलमोस्ट बैन कर रखा है। नेक्स्ट आर्टिकल है पाशीमा गोट के बारे में। तो देखिए क्या है ये पाशीमना गोट, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए जो ये गोट है इसको छंगरा भी बोला जाता है या चंग थंगाई, ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नेम है बट आप इसको याद रखिए। इनका इनका जो इनके जो रेजिंग की जाती है, जो इनका अल्ट्रा फाइन कश्मीरी वूल है इसके लिए बहुत ज्यादा ये लोग फेमस हैं। एंड इस जो वूल को जब आप लोग वोवन कर देते हैं एंड बिल्कुल बना देते हैं तो ऐसा जो वूल बनता है तो ये पाशीमा कहलाता है। अगर आप स्क्रीन पे देखिए तो इनका जो फर है ये काफी सॉफ्ट है, ठीक है, एंड जब इससे आप लोग वूल बनाते हैं तो उस चीज को पाशीमा बोलते हैं। ये पाई कहाँ जाती हैं? तो देखिए ये आपके हिली एरियाज में पाई जाती हैं एंड स्पेशली आपके तिब्बत, नेपाल, ठीक है, पार्ट्स ऑफ बर्मा एंड आपकी लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, ऐसी जगह में ये पाई जाती हैं। तो कभी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि इट इज फाउंड इन सेंट्रल एशिया या डेजर्ट एक्सेट्रा, तो ऐसा नहीं है, ये चीज ध्यान आप रखिएगा। एंड जो ये गोट्स हैं, जो पाशीमा गोट्स होती हैं, इनकी जो रेयरिंग की जाती है वो एक नोमैडिक कम्युनिटी के द्वारा की जाती है जिनका नाम है चंगपा कम्युनिटीज, ठीक है, एंड ये कहाँ रहती है आपकी ग्रेटर लद्दाख में। तो यहां से हमने दूसरी चीज भी देखी कि चंगपा कम्युनिटीज, अगर पूछा जाए आपसे ऑप्शन, दीज आर द नोमैडिक कम्युनिटीज ऑफ मध्य प्रदेश, ओडिशा, ठीक है, आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है, एंड कोई भी आप दूसरा ऑप्शन ले लो, लेट्स से वेस्ट बंगाल, ठीक है, तो क्या आप आंसर लगाओगे? तो आप इसका आंसर लगाओगे जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, चंगपा कम्युनिटीज एंड पाशीमा गोट एंड दे आर वेरी फेमस फॉर देयर वूल। नेक्स्ट आर्टिकल है गैंगेटिक डॉल्फिन्स के बारे में। क्या कंटेक्स्ट है? तो देखिए अभी काफी सारा जो स्पीड रिस्ट्रिक्शंस एंड आपके साउंड अलर्ट्स, ठीक है, तो एक टाइप का बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जा रही है गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन्स के लिए। एंड ये कहाँ पे? नेशनल वाटरवे वन पे, ठीक है, जो कि पास करता है आपका हल्दिया टू वाराणसी। तो ये जो नेशनल वाटरवे वन है इस पे काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं कि जो बोट की स्पीड है वो इतने से ज्यादा इतनी नहीं होगी, ठीक है, साउंड नहीं कर सकते एक्सेट्रा। एंड ये सब किस लिए हो रहा है? ये सब इस पर्टिकुलर स्पीशीज जिसका नाम है गैंगेटिक डॉल्फिन्स, इसको बचाने के लिए हो रहा है। तो अब हम इन लोग को पढ़ते हैं कि कौन है गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन। तो देखिए इसको आप सबसे पहले यह चीज ध्यान रखिएगा कि इट इज वन ऑफ द फोर फ्रेश वाटर डॉल्फिन। तो ये फ्रेश वाटर डॉल्फिन होती हैं। रेस्ट तीन कौन कौन सी हैं? तो देखिए वो है आपकी बाजी, नेक्स्ट है आपकी भूलन एंड थर्ड है बोटो। एंड बाजी जो आपकी है अब एक्सटेंट हो चुकी है एंड ये आपकी चाइना में पाई जाती थी यांगस्टे रिवर के पास, भूलन पाई जाती थी आपकी इंडस रिवर ऑफ पाकिस्तान, बोटो पाई जाती है आपकी अमेजोन रिवर में, एंड आपके जो ये गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन्स है ये इंडिया में पाई जाती है। तो चार फ्रेश रिवर वाटर डॉल्फिन्स है एंड गैंगेटिक डॉल्फिन्स उनमें से एक है। एक चीज जो इसको बहुत इंपॉर्टेंट बताता है एंड बन जाता है ये कि इंडिया का ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? क्या सिर्फ ये गंगा के रिवर सिस्टम में पाई जाती हैं? तो देखिए ऐसा नहीं है, ये गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना, ठीक है, उसके बाद करणफुली संगू रिवर सिस्टम ऑफ नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, ये ऐसा पाई जाती है। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन्स इज फाउंड ओनली इन इंडिया, तो ये गलत हो जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि नेपाल एंड बांग्लादेश में भी ये फाइंड की जा सकती है। अब हम इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर क्या इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो देखिए ये पहली बात एक मैमल है, ठीक है, आप फिश मत टिक कर दीजिएगा क्योंकि जनरली लोग समझते हैं कि डॉल्फिन दिख रहा है तो फिश होगी है, बट ये एक मैमल है। एंड देखिए सिंस ये एक मैमल है, ठीक है, तो इट कैन नॉट ब्रीद इन वाटर, ये पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती है, तो इसको हर कम से कम 30 से 50 सेकेंड बाद पानी के ऊपर आना पड़ता है, ठीक है। एंड जब ये पानी के ऊपर आती है फटाक से हवा से सांस लेती है एंड फिर ये नीचे चली आती है, एंड ऐसे ये साइकिल रिपीट करती जाती है। एंड जब ये ब्रीथ कर रही होती है तो इस तरीके से ये बहुत सारा एक साउंड निकालती है, उसका नाम है सूसू, ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा, इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज सूसू। वाई? बिकॉज ये एक यूनिक तरीके से ब्रीथ करती हैं। एंड जनरली जो गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन्स होती हैं ये डीप वाटर्स में रहना पसंद करती हैं, तो ये भी आप एक इंपॉर्टेंट फीचर समझ सकते हैं इसका। फिर देखिए मैंने आपको बताया है कि एनिमल्स का IUCN स्टेटस आपको पता होना चाहिए, एंड ये तो इंडिया का एक नेशनल एनिमल है एक्वेटिक, तो इसका IUCN स्टेटस है एंडेंजर्ड,
ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर हम इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात करें तो ये शेड्यूल वन में प्रोटेक्टेड है। नेक्स्ट आर्टिकल है प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में। तो देखिए क्या कंटेक्स्ट है, तो अभी ऐसा बोला जा रहा है कि ऑलमोस्ट 2700 एलिफेंट्स को केरला ने अंडर काउंट कर दिया है अपने लेटेस्ट एलिफेंट सेंसस में, ऐसा बोला जा रहा है। ये तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्रोजेक्ट एलिफेंट एंड एलिफेंट को समझना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज बस इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो एलिफेंट सेंसस है ये वंस इन फाइव ईयर्स होता है, एंड ये करवाया किसके द्वारा जाता है, अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो अब समझते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है। तो देखिए प्रोजेक्ट एलिफेंट एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको लॉन्च कब किया गया था, 1992 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ये देखिए क्या करती है, तो ये फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है एंड किन लोग को, जो ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे एलिफेंट्स पाए जाते हैं, ताकि वो लोग कुछ स्पेशल मेजर्स ले सकें कि एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करें, जैसे कि आप कॉरिडोर्स बना सकते हैं, उनके हैबिटेट को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, वहां पे जो और फैसिलिटीज है एलिफेंट्स के लिए वो दी जा सकती है। फिर उसके बाद जो इश्यूज हैं उन्हें रिजॉल्व करो, जैसे कि ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट काफी बार देखा गया है कि आपका हाईवे पे एलिफेंट जा रहे होते हैं, इधर से कार आती है एंड एक्सीडेंट हो जाता है, तो इस चीज को भी रोका जाए, ठीक है। एंड जो भी अगर एलिफेंट है, अगर उनको डोमेस्टिकेशन किया जा रहा है, उनको पाला जा रहा है, तो वो अच्छे से पाला जाए, वेलफेयर के लिए पाला जाए, ना कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो। तो ये सब के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था। देखिए अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि भाई प्रोटेक्ट करो एलिफेंट्स को, उनके हैबिटेट्स को, कॉरिडोर्स को, ठीक है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को, इन सबको एड्रेस करो, इन सारे इश्यूज को। नेक्स्ट आर्टिकल है टाइगर सेंसस के बारे में। तो देखिए अभी क्या जो ये न्यूज थी, तो अभी जो टाइगर सेंसस आया है लेटेस्ट, उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइगर्स हैं, जिनका है 526 नंबर, उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद उत्तराखंड। तो इसमें आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना कि MP, देन KTK, कर्नाटका एंड देन UK, उत्तराखंड। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से हाइएस्ट, कौन से जो स्टेट है जिसमें हाइएस्ट टाइगर्स आपको मिलेंगे। फिर छत्तीसगढ़ और मिजोरम के जो स्टेट्स है इनमें टाइगर पॉपुलेशन में डिक्लाइन पाया गया है, एंड जो अदर स्टेट्स है उनके अंदर रफली एक पॉजिटिव इंक्रीज पाया गया है। अगर इंडिविजुअल टाइगर रिजर्व्स की बात की जाए तो पेंच टाइगर रिजर्व्स है मध्य प्रदेश का, इसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइगर्स हैं। फिर उसके बाद सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है, इसने काफी सबसे ज्यादा इनफैक्ट इंप्रूवमेंट दिखाया है सिंस 2014। अब थोड़ा सा बात करते हैं टाइगर सेंसस के बारे में। तो देखिए टाइगर सेंसस जो है ये कैरी होता है वंस इन 4 ईयर्स, ये इंपॉर्टेंट है। एंड इस सेंसस में जो छोटे बच्चे होते हैं कब्ज, उनको नहीं देखा जाता है, उनको नहीं गिना जाता है, सिर्फ अडल्ट टाइगर्स को ही काउंट किया जाता है। कौन करवाता है ये सेंसस, तो देखिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो इनकी जो टीम है वो आपका ये टाइगर सेंसस को कंडक्ट करती है, एंड गाइडेंस रहता है आपका NTCA का, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। जो 2018 का अभी जो सर्वे आया है ये 4th ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन था, एंड सिंस 2006। उसके बाद देखिए एक ग्लोबल टाइगर फोरम है, ये इंटरनेशनल टाइगर जितनी भी कंट्रीज हैं जहां जहां टाइगर्स फाउंड किए जाते हैं उनका एक एसोसिएशन है, एक कोलैबोरेशन है। उन्होंने एक गोल रखा है, एंड वो गोल क्या है कि सबको अपनी कंट्रीज में डबल करनी है जो काउंट ऑफ वाइल्ड टाइगर्स है बाय 2022। तो ये गोल रखा गया है, एंड देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अब जो मैं आपको अंडरलाइन भी कर रहा हूं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मोर देन 80% ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड टाइगर्स आर इन इंडिया, ऐसा स्टेटमेंट ऑफन UPSC पूछती है। एंड अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप जनरली इसको फॉल्स लगा देंगे, ठीक है, बट ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर हम थोड़ी सी और बात की जाए तो एक मोबाइल एप्लीकेशन है M-Stripes, जिसका फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, एंड इसको डेवलप किया गया था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून, इससे इसका यूज किया गया था जो टाइगर काउंटिंग के लिए। देखिए M-Stripes पे क्वेश्चन पहले भी UPSC ने पूछा है।
नेक्स्ट अगर टाइगर लैंडस्केप्स के बारे में बात की जाए तो देखिए इंडिया के पास 5 टाइगर लैंडस्केप्स है। पहला है शिवालिक हिल्स एंड गैंगेटिक प्लेन्स, दूसरा है सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप एंड ईस्टर्न घाट्स, तीसरा आपके वेस्टर्न घाट्स है, चौथा नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है, एंड पांचवा आपका बंगाल में 10 सुंदरबंस है। तो इस तरीके से हमने टाइगर सेंसस पे पूरा कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करा। सो नेक्स्ट आर्टिकल है पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज। देखिए ये जो इकोसिस्टम सर्विसेज है ये मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट एक बार हम क्विकली प्रिलिम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। तो क्या कंटेक्स्ट है, तो देखिए अभी जो कंट्री की फर्स्ट एवर पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में PES बोलेंगे, इसका अब रिजल्ट इंडिया में शो होने लगा है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये इकोसिस्टम सर्विसेज होती क्या है, एंड इसके कैसे इसमें हम पेमेंट देते हैं, एंड कैसे ये वर्क करता है। तो देखिए ये जो पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज है PES, इसका क्या मतलब होता है कि जो भी आपको इकोसिस्टम की सर्विसेज मिल रही है, जैसे आप कह सकते हो फूड, वाटर, टिम्बर, फाइबर, इनके लिए आप किसी से पेमेंट ले रहे हो। लेट्स से यू आर द लैंड ओनर, ठीक है, एंड अब आप एक लैंड ओनर में आपने एक पॉन्ड एस्टैब्लिश किया, अब उस पॉन्ड में आप बहुत सारी फिशरीज को मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, एंड ये बहुत लार्ज स्केल लेवल पे आपने इस पॉन्ड को एस्टैब्लिश अपनी खेत में कर रखा है। तो यहां पे क्या हो रहा है, फिशरीज का ग्रोथ हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है और सारे ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा आ रहे हैं, तो यहां से इकोसिस्टम की सर्विसेज मिल रही है, ठीक है, एंड इस इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए अगर आपको पेमेंट रिसीव हो तो यही कहलाएगा पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज। अब देखिए ये क्यों जो PES का कॉन्सेप्ट है ये क्यों न्यूज में आया या इस पर क्यों इतनी चर्चा होने लगी। तो देखिए पहले क्या होता था कि ये सारी जो वैल्यूएबल इकोसिस्टम की सर्विसेज है ये ऐसी वेस्ट हो जाती थी, या आप कह सकते हो इस पर कोई भी इसकी कोई मॉनेटरी या इकोनॉमिक वैल्यू नहीं थी, तो एज अ रिजल्ट हम इसको काउंट नहीं कर सकते थे। इसकी वजह से क्या हुआ, देखिए लोगों ने एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया। अब भाई कोई भी चीज अगर फ्री की है तो लोग तो उसको एक्सप्लॉयट करेंगे, एंड एज अ रिजल्ट क्या हुआ, आपका एनवायरनमेंट डिग्रेड होने लग गया। अब ये कॉन्सेप्ट आया कि PES का, कि अब ये जो इकोसिस्टम की सर्विसेज है इसका पेमेंट चार्ज करेंगे, तो इससे हम लोग एक टाइप का आपके जो इस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है इसको हम रोक पाएंगे। देखिए जो PES है इसका जो बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कि बेनिफिशियरी पेज, ये प्रिंसिपल मेन होता है। अभी तक क्या होता है कि पॉल्यूटर पेज द प्रिंसिपल, कि अगर आप एनवायरमेंट को, लेट से यू आर पॉल्यूटिंग, आप एक कैपिटलिस्ट हैं, आपकी एक कोई भी फैक्ट्री लग रखी है, एंड आपकी फैक्ट्री से जो भी धुआं है या पॉल्यूशन हो रहा है वो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप होगे आपको इसका पेमेंट करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड पॉल्यूटर पेज द प्रिंसिपल। बट अगर कहीं लेट से साफ पानी है, ठीक है, ये मेरी लैंड है एंड मैंने यहां साफ पानी मेंटेन कर रखा है, एंड आप आ रहे हो एंड आप आके ये साफ पानी का पी रहे हो, तो आप हो गए बेनिफिशियरी, तो आपको मुझे पेमेंट देना पड़ेगा। तो यही कॉन्सेप्ट है आपका जो पेमेंट फॉर द इकोसिस्टम सर्विसेज का, समझ रहे हैं, कि जो बेनिफिशियरी है, जो फायदा उठा रहा है उस सर्विस का, उसको पेमेंट देना होगा। तो देखिए इससे दोनों का बेनिफिट है, म्यूचुअल बेनिफिट है। कैसे, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ये बंदा जो बायर है, ठीक है, इसके पर्सपेक्टिव से कैसे फायदा है। तो देखिए अगर ये यही फ्रेश वाटर, लेट से बाहर जाके एक बिस्लेरी की बोतल लेता तो उसको 20-25 रुपीज पे करने होते, एंड बाहर और जगह ये 50 रुपीज तक भी जा सकता था। बट यही ये पर्सन इस जगह से पानी ले रहा है तो यहां ये 10 रुपीज में ले सकता है या 5 रुपीज में ले सकता है, तो आप समझ रहे, तो कॉस्ट कम हो जाएगी यही सर्विस की अगर ये बाहर से ले। एंड ये सेलर के लिए भी बहुत अच्छा है, क्यों, क्योंकि ये जो सेलर है ये भी अपना जो ये लैंड है इसके साथ इसका मेंटेनेंस भी देख सकता है। आखिर ये लैंड को जब मेंटेन कर रहा है तो उसके साथ साथ एक पॉन्ड का भी ये मेंटेनेंस दे सकता है, ठीक है, तो थोड़ा पैसा लगा के ये मेंटेन कर लेगा, एंड इसको जो लोग आएंगे वो इस सर्विसेज के लिए पैसे भी देंगे, तो सेलर के भी फायदा, तो आप समझ रहे, तो इससे डुअल बेनिफिट होता है, इससे डुअल बेनिफिट होता है। देखिए अब मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हैं कि अगर हम इकोसिस्टम की जितनी भी सर्विसेज हैं उस पर पेमेंट चार्ज करेंगे तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कम होगा एंड ये म्यूचुअल बेनिफिट की सिचुएशन होगी। अब यही यहां पे एग्जांपल है कि सपोज करिए एक फार्मर है,
ठीक है, अब ये क्या करेगा, अपने जो खेत में कुछ वाटर स्टोरेज की फैसिलिटी रख देगा। अगर इसे छोटा छोटा सा पेमेंट देंगे तो क्या होगा, हो जाएगा एक कम्युनिटी पॉन्ड भी स्टैब्लिश हो जाएगा। ये जो फार्मर है ये अपने खेत में इस पॉन्ड की फैसिलिटी को मेंटेन भी कर पाएगा एंड सब जितने भी लोग हैं यहाँ पे उनको इस पॉन्ड से पानी लेने का भी अधिकार होगा एंड सबका फायदा है। तो आपने देखा म्यूचुअल बेनिफिट आपको सर्विसेज मिल रही है थोड़ा सा पेमेंट करने की, ठीक है, एंड साथ ही साथ आपका जो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन है प्लस क्लाइमेट चेंज है इसको भी हम लोग टैकल कर पाएंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट जो PES का अग्रीमेंट है, ठीक है, ये कहां साइन हुआ था, ठीक है, तो ये साइन हुआ था बिटवीन द विलेज फॉरेस्ट डेवलपमेंट सोसाइटी एंड द पालमपुर म्युनिसिपल काउंसिल PMC ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, एंड ये जो फॉर्मलाइज हुआ था वो 2010 में हुआ था। और देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे ये जो पालमपुर का ये जो मॉडल है PES का मॉडल ये एक बहुत स्ट्रांग स्टेप है टुवर्ड्स कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो आप ये जब भी क्लाइमेट चेंज पे कुछ भी लिखना हो तो आप ये पालमपुर का PES मॉडल लिख सकते हैं। तो ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में ज्यादा है बट स्टिल हम लोग कवर कर रहे हैं कि कुछ भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है राइनो कंजर्वेशन के बारे में, क्या कंटेक्स्ट है, तो देखिए अभी एक स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स SRPF जिनका काम है जो पोचिंग ऑफ राइनोस को चेक करना, इनसे लड़ना, ठीक है, तो इनको डिप्लॉय किया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो इसीलिए इन पर्टिकुलर फोर्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। कहीं ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी फोर्स एग्जिस्ट करती है, तो अगर कभी ऑप्शन में स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स आ जाए एंड अगर आपने नहीं सुन रखा है तो शायद आप ना लगाएं ऑप्शन, बट स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स एग्जिस्ट करती है। तो देखिए जो इनका प्रोसेस था ये स्पेशल फोर्सेस को बनाने का, ये 2015 में स्टार्ट हुआ था एंड किसकी रिकमेंडेशन के द्वारा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की रिकमेंडेशंस के द्वारा। इसमें यही है कि आसाम की जो गवर्नमेंट है वो जो सैलरीज है इन SRPF मेंबर्स को देगी एंड ये जो चीज है वो रीइंबर्स हो जाएगी NTCA के द्वारा। अब थोड़ा सा राइनोस के बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए राइनोस इंडिया में कहां कहां पाए जाते हैं, आपके उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड आसाम में ये पाए जाते हैं। और जो ग्रेट वन हॉर्न राइनो है या इसको इंडियन राइनो भी बोलते हैं, इट इज द लार्जेस्ट ऑफ द राइनो स्पीशीज फाउंड कॉमनली इन नेपाल, भूटान, पाकिस्तान एंड इंडिया। अगर इसका IUCN स्टेटस पूछा जाए, ठीक है, तो ये देखिए वल्नरेबल की कैटेगरी में आता है एंड ये जो शेड्यूल वन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसके अंडर प्रोटेक्टेड है। नेक्स्ट आर्टिकल है अर्थ ओवरशूट डे के बारे में, क्या कंटेक्स्ट है, तो देखिए अभी एक रिपोर्ट आई है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के द्वारा एंड इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो आपका अर्थ ओवरशूट डे है वो आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है एंड 2 मंथ ऊपर खिसक चुका है पिछले पास 20 सालों में एंड इस साल ये जो डेट है ये सबसे अर्लीस्ट है। तो अब हम समझ लेते हैं कि आखिर अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि हमारे अर्थ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब ये रिसोर्स इंसान यूज करते हैं तो अपने आप अर्थ में ऐसी एबिलिटी है कि इन रिसोर्सेज को दोबारा जनरेट कर दे। फॉर एग्जांपल आप सॉयल ले सकते हैं, सॉयल का यूसेज होता है अपने आप, फिर रेन होती है, रेन से सॉयल और ब्रेक डाउन होती है एंड न्यू सॉयल बन जाती है। तो ये जो रीजनरेशन का प्रोसेस है ये काफी स्लो है, ठीक है, बट अर्थ पे इंसान ड्यू टू इट्स ग्रीड हम लोग बहुत ज्यादा तेजी से एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं इन रिसोर्सेज का। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ये प्रोसेस है जो रीजनरेटिंग वाले प्रोसेस हैं ये स्लो हो चुके हैं। अब भाई कंजम्पशन का रेट हमारा बहुत ज्यादा है एंड जो आपका जो नेचुरल रीजनरेशन का रेट है वो बहुत कम है, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, एक दिन सब तबाह हो जाएगा। एंड यही कॉन्सेप्ट को बताने के लिए हमारे पास आता है अर्थ ओवरशूट डे, यानी एक ऐसा दिन होता है जिस दिन एनुअल डिमांड ऑफ नेचर एक्सीड कर जाती है कि कौन से किससे कि जो अर्थ रीजनरेट कर पाए इंटायर ईयर में, आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि आखिर ये कैलकुलेट कौन करता है, तो ये देखिए WWF एंड ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है एंड इस साल जो डेट आई है वो July 29th है, ठीक है, एंड अर्लीस्ट एवर है ये डेट, ठीक है। तो आप समझिए अगर January 1 से स्टार्ट करें तो July 29 तक ही आपके जितने भी रिसोर्सेज है बस इतना ही अर्थ अब जनरेट कर पाती है इस साल के रिसोर्सेज को एंड हमारा कंजम्पशन इतना तेज है। कायदे से ये पूरा होना चाहिए 31 दिसंबर तक, बट ये आगे खिसकते जा रहा है। यानी अर्थ के जो पूरे रिसोर्सेज है वो 29 जुलाई तक आपने खत्म कर दिए, उसके बाद जो रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हैं वो अर्थ का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है, एंड ये जल्दी
आगे बढ़ते जा रहा है, ऐसा इस पर्टिकुलर आर्टिकल में हमने समझा। नेक्स्ट आर्टिकल है रेड मड यूटिलाइजेशन के बारे में। क्या कंटेक्स्ट है? तो देखिए, जो रेड मड है होती है, जो कि आपका बॉक्साइट का रेजिड्यू होता है, इसको यूटिलाइज करने के लिए एक इंटरैक्टिव वर्कशॉप रखी गई जिसका नाम था वेस्ट टू वेल्थ, एंड इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के बारे में। तो इसीलिए हम थोड़ा सा रेड मड के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए रेड मड क्या होती है, तो देखिए अगर ये एक, अगर आप लोग एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन को देखें, ठीक है, तो रेड मड वहां पे एक सॉलिड वेस्ट जनरेशन होता है। रेड मड वहां की एक सॉलिड वेस्ट होती है जो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के प्रोसेस में बनती है, ठीक है। एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बेयर्स प्रोसेस, ठीक है, जो कि बॉक्साइट से होता है। तो ये एक टाइप का सॉलिड वेस्ट है जो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में प्रोड्यूस होता है। अब इसके कुछ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए इनके, इसके अंदर 6 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, टाइटेनियम एंड सोडियम, ठीक है, और बाकी सारे माइनर एलिमेंट्स होते हैं। तो आपको बस ये याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि रेड मड कौन से एलिमेंट में आपको प्रोडक्शन में आती है, ठीक है, वो आयरन दे देगा, एल्यूमिनियम दे देगा, ठीक है, कॉपर दे देगा, सिल्वर दे देगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये आपके एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में आती है, बस इस पर्टिकुलर आर्टिकल में यही इंपॉर्टेंट था। कुछ और अगर इम्प्योरिटीज के बारे में देखना चाहते हैं तो इसके अंदर कॉस्टिक सोडा भी होता है एंड अदर मिनरल्स भी होता है, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, जो रेड मड के यूटिलाइजेशन होता है, इसके साथ काफी सारी प्रॉब्लम्स एनवायरमेंटल रिलेटेड एसोसिएटेड है। अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए क्या है कि ये जो रेड मड होती है ये हाईली एल्कलाइन होती है, ठीक है। अब इसकी वजह से इसकी जो कोरोसिव प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, एंड जो अगर इसको मिक्स कर दिया जाए सॉइल के साथ तो वो इसको वहां के जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनको डैमेज कर देती है, ठीक है। फिर उसके बाद सिमिलरली यही सारी जो एल्कली मटेरियल्स होते हैं ये आपके ग्राउंड वाटर में चले जाएंगे तो ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट कर देते हैं, ठीक है। फिर इसके स्टोरेज के साथ भी सिमिलर टाइप के दिक्कत है कि बहुत ज्यादा वास्ट एरिया चाहिए आपको अगर इसका प्रॉपर डिस्पोजल करना है, ठीक है। फिर देखिए जो एयरबॉर्न डस्ट है जो एल्कलाइन जो सब्सटेंस की वजह से उड़ती है वो भी बहुत खतरनाक होती है। तो ये सारे एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं इस पर्टिकुलर रेड मड के स्टोरेज के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं कि आखिर क्या पॉजिटिव है कि रेड मड का यूटिलाइज कैसे किया जा सकता है। तो देखिए अब ये एल्कलाइन है तो आप कहां यूज कर सकेंगे, आपने बिल्कुल सही सोचा, एसिडिक सॉइल्स के ट्रीटमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्रूड एंड फाइन सेरेमिक्स अगर आपको बनाने हैं जैसे टाइल्स, फ्लोर टाइल्स एक्सेट्रा, इनमें यूज की जाती है। ब्रिक्स मेकिंग में यूज की जा सकती है, सीमेंट बनाने में यूज की जा सकती है, ठीक है। जो मेटलर्जी होती है आपकी आयरन की, वहां पे इसको एक एडिटिव की तरह यूज किया जा सकता है, ठीक है। रबर एंड प्लास्टिक इंडस्ट्री में भी यूज की जा सकती है, ठीक है। पेंट्स बनाने में भी आ सकता है इसका यूसेज, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका जो रेड मड है इसका यूज किया जा सकता है। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।